ओके गुड ओके, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में आज डिस्कस क्या करना है। लास्ट वीक हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस पे, दैट इज़ ज्योति, तुम्हें याद नहीं होगा बिकॉज तुम कुछ क्लास नहीं कर पाए थे, बट कोई बात नहीं, मैं तुमसे शेयर कर लूँगा। हम लोग करेंटली डिस्कशंस कर रहे हैं कैंडल स्टिक्स पे। ठीक है, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो स्टॉक मार्केट में जो डे टू डे ट्रेंड को जो समझना होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। एंड इस डे टू डे ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कैंडल स्टिक्स को देखना। ठीक है, मार्केट में डेली वाइज कम से कम ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15-16 कैंडल्स ओवरऑल है प्रॉपरली, मतलब मेजर कैंडल। ठीक है, तो ये 15-16 कैंडल का जो अगर हम लोग स्टडी करना चालू कर दे तो मोटा मोटी हम लोग मार्केट का ट्रेंड को समझने लायक बन जाएंगे कि मार्केट आप कब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, या फिर कब हो सकता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, से फॉर एग्जांपल तुम एक 15 मिनट का ट्रेड लेना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल करेंटली किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100, और तुम सोच रहे हो कि ये मार्केट 100 से 110 में जाएगा। तो ये 100 से 110 में जाएगा तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, बट कैंडल भी आपको बहुत कुछ बताता है। ठीक है, कि यस इस कारण से जा सकता है, उस कारण से जा सकता है। तो डिफरेंट कैंडल का डिफरेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मुझे अनिमेश ने बताया कि सर मोरू बाजू थोड़ा याद दिला दो। हाँ, मोरू बाजू या मारू बोजू, जो भी बोलो, जापानीज नाम है सर। ठीक है, तो ये मोरू बाजू जो कैंडल है, ठीक है, ये मोरू बाजू कैंडल हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत डिटेल्स में, मोरू बाजू का बियरिश मॉडल, मोरू बाजू का बुलिश मॉडल, दोनों कैंडल स्टिक हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल बोलूं मोरू बाजू क्या करता है, कोई मुझे बताए, सुबह मोरू बाजू का कैरेक्टर, सुबह रोशनी, कोई भी मुझे बता सकते हो मोरू बाजू का कैरेक्टर क्या है। इसका पहला कैरेक्टर ये है कि मोरू बाजू में कोई वीक नहीं होता है ना, मतलब इसके सर पे बाल नहीं होता, इस काइंड ऑफ मतलब लाइक मी। ठीक है, मतलब इसके सर पे बाल थोड़ा, ओके हाँ सर, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं शैडो, शैडो या वीक, दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके सर पे वीक नहीं होगा, मतलब कैंडल में होता है ना वीक होगा या शेडो होगा, तो इसका ना तो अपर शेडो होता है ना तो लोअर शेडो होता है, बट थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब लिटिल बिट अगर रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसीलिए बोलते हैं मार्केट में ना एक रूल है कि वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। मार्केट में एक रूल है वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, मतलब हमेशा वेरीफाई भी करना चाहिए, साथ में क्वांटिफाई भी करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर उसके सर पे बाल आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मारू बुजू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, पतला सा, इस काइंड ऑफ मी। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉर्मल मारू बुजू का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसका मतलब है बार्डनेस। मारू बुजू का मतलब इन जापानीज टर्म इज बार्डनेस, मतलब जिसके सर पे बाल नहीं हो, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में या बंगाली में टकला बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मारू बुजू कैंडल ना टकला होता है, और ये टकला कैंडल में क्या है कि इसका ओपन और क्लोज में ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए, लेकिन इसका बॉडी जो है ना एक मीडियम टाइप में होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मारू बुजू एक बार याद दिलाने के लिए। ठीक है, एक बार मैं याद जरूर दिलाता हूँ, चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को। अच्छा, स्क्रीन शेयर है मेरा, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कीजिए ना। हाँ सर, ओके, हेलो। हाँ, हेलो हेलो, हाँ सर, हो रहा है। ओके, ठीक है ठीक है, स्क्रीन शेयर होने से ही चलेगा, वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मुझे अनिमेश ने पूछा सर थोड़ा सा मारू बुजू बोल दो। ठीक है, मैं थोड़ा तो याद ज़रूर दिलाऊंगा। ठीक है, हम लोगों को बहुत कुछ बताना है कैंडल स्टिक्स में। जैसे अभी तो हम लोग बस सिंगल कैंडल स्टिक्स पार्ट वन, पार्ट टू आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक्स पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। अभी भी कैंडल स्टिक्स में सिंगल में बहुत है, उसके बाद मल्टीपल में जाएंगे, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात करेंगे, फिर वॉल्यूम में बात करना है, अभी बहुत कुछ है, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, डाउ थ्योरी, वेव थ्योरी, बहुत कुछ है। ठीक है, तब जाके हम लोग टेक्निकल पे मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, आगे आगे बात बढ़ाते हैं, इतना हड़बड़ करके फायदा नहीं है। तो जैसे कि मुझे इसने बताया, अनिमेश ने पूछा कि सर थोड़ा सा मारू बोजू याद दिला दो, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मारू बोजू। ठीक है, जब मारू बोजू दिखता है ना, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो दिखना ज़रूरी है। तो कहाँ गया मारू बोजू, मारू बोजू आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसी में रहेगा। मारू बोजू, ये मारू बोजू, मारू बोजू में दो होता है, एक बुलिश एक बेयरिश, जैसे हर कैंडल का ही दो होता है।
ठीक है, एक बेरिश होगा और एक बुलिश होगा, ठीक है, ये तो हर कैंडल का अपना कैरेक्टर है ही, ठीक है। तो ये मारुबोजू का देखने में कुछ ऐसे होता है, ठीक है, नॉट 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 दिस वन, दिस टाइप्स, ये रहा आपका मारुबोजू, दिख रहा है अनिमेश तुझे? ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ, इसका इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है मारुबोजू का, कि इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि इसका जो ये वीक है ना, मतलब जो कैंडल का जो बेसिकली अपर शेडो एंड लोअर शेडो है, ये मिसिंग रहता है या फिर थोड़ा बहुत रह सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम मिसिंग रहेगा, ठीक है, टोटल मिसिंग नहीं होगा, ठीक है, कभी 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 कभी, मतलब ये तो एज पर डेफिनेशन है, ठीक है। जापान में जो राइस का डीलर हुआ करता था, वो लोग ये सब कैंडल का यूज करता था, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता के रखा, ये कैंडल स्टिक्स आने के पीछे का कहानी क्या है। और जापान में जो बिजनेस मैन होते थे, वो कैंडल को राइस डीलिंग में यूज करता था, मतलब चावल का वो लोग बिजनेस करता था और राइस का जो बिजनेस था उसमें ये लोग कैंडल का यूज करता था, मार्केट अप डाउन ट्रेंड को समझने के लिए। तो ये मारुबोजू पैटर्न कुछ ऐसा होता है देखने में, ये देखो, ये मारुबोजू पैटर्न सबको दिखाई दे रहा है, मैं बस एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, ये सब मैं क्लास में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया, कि जब कहीं पर भी मारुबोजू कैंडल दिखता है सर, वो मारु, हाँ बोलो सर, बोलो। हाँ सर, बोल रहे बुलिश मारुबोजू जो होगा, हाँ उसका हाई कलर्स टू क्लोजिंग होगा ना? हाँ, हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। और ये देखो सर, और इसी के कारण हाई और क्लोज अगर इक्वल में आ जाता है तो फिर शेडो नहीं क्रिएट होगा ना, बिकॉज ये जो शेडो आप बाकी सब में देख रहे हो, ये जो अपर शेडो लोअर शेडो आप देख पा रहे हो, ये क्यों क्यों होता है, बिकॉज हाई क्लोज में अगर बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, मतलब जो ओपन प्राइस है और जो हाई प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है, आप बात को समझिएगा, जो ओपन है, जो हाई है और जो क्लोज है, अगर इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहे तो ऑटोमेटिकली शेडो क्रिएट होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली शेडो क्रिएट होगा। एंड इसीलिए एक सेकेंड, हाँ वो पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है ना, ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट ना इक्वल रहता है। आप एक बार फिर से, हो सके ना तो मारुबोजू एक बार फिर से एक बार रीड करो, अगर हो सके तो मैं क्लास शेयर कर दूंगा आपको, आप हो सके तो फिर से एक बार मारुबोजू को पढ़ो, अगर आप मारुबोजू भूल रहे हो। बस मैं इतना याद आपको एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, मारुबोजू जहां फॉर्म होता है, जैसे ये ACC सीमेंट का मारुबोजू का चार्ट है, ठीक है, जो मैं यहां पर पुट किया था, ACC सीमेंट का ये जो मारुबोजू का चार्ट है आप यहां पर देख सकते हो, मारुबोजू जहां पर भी फॉर्म होता है उसके बाद या तो बुलिश होगा या तो बियरिश होगा, मतलब मार्केट कुछ ना कुछ तो करेगा, मतलब या तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा या तो मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा, और मारुबोजू किसी भी मूवमेंट में हो सकता है, और इसका कोई ट्रेंड नहीं होता, मतलब प्री ट्रेंड कुछ नहीं होता, कैसा नहीं कि पहले का ट्रेंड कुछ होना चाहिए, नहीं, कोई ट्रेंड नहीं होता पहले से, कि पहले बुलिश मतलब पहले बियरिश ट्रेंड है तो मारुबोजू फॉर्म होगा, या फिर बाद में मतलब पोस्ट ट्रेंड जो है वो बुलिश होगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मारुबोजू किसी भी मूवमेंट में फॉर्म हो सकता है, और मारुबोजू जब भी फॉर्म होता है मार्केट में या तो अप ट्रेंड या तो मतलब डाउन ट्रेंड कुछ भी दिखाई दे सकता है। याद आ रहा है क्या सबको? हाँ सर। सर हाँ हाँ बोलो सर। हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। बोल रहे कि सर बुलिश मारुबोजू होगा तो अप ट्रेंड होगा ना मार्केट? हाँ ऑब्वियसली ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि बुलिश मारुबोजू होगा तो अप ट्रेंड होगा, लेकिन देखो सर हर चीज का दो चीज होता है, अगर आप रिस्क टेकर हो, ठीक है, जैसे देखो ये भी एक बुलिश मारुबोजू है, ये बुलिश मारुबोजू है ना, ये बुलिश मारुबोजू है, अप ट्रेंड हो रहा है मार्केट, तो अगर आप रिस्क टेकर हो तो फायदे में रहोगे। ये एशियन पेंट्स का एक टेक्निकल चार्ट है, ठीक है, ये देखो ये बुलिश मारुबोजू यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तुम्हारा जो सवाल है, और मार्केट बुलिश हुआ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बुलिश होने के बाद मार्केट ट्रेंड नहीं लिया, तो इसके लिए आप अगर रिस्क एवर्स हो तो आपको फायदा है, बट रिस्क टेकर को फायदा होता है। ये सब क्या है सर? कैलकुलेटेड रिस्क है, दीज आर कैलकुलेटेड रिस्क पैटर्न फॉर द ट्रेडर, ठीक है। तो कभी अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर आप बहुत ज्यादा श्योर लगते हो अपने आप में, ठीक है, तो अगर आपके अंदर श्योर मतलब श्योरिटी बहुत है तो आप रिस्क टेकर हो सकते हो, और जिस दिन मारुबोजू फॉर्म होगा आप उसी दिन ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 2-3 सेशन ऐसा होगा आप बुलिश रहोगे और आप ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाओगे, बट अगर आप रिस्क एवर्स हो तो फिर आप कब ट्रेंड लोगे, मतलब कब आप ट्रेड लोगे, तब आप यहां पर ट्रेड लोगे, जब आप नेक्स्ट दिन देखोगे कि मार्केट सच में बुलिश हुआ है तब ट्रेड लोगे, तो इन दैट केस आपका प्रॉफिट एरिया कम होगा। बात समझ में आ रहा है क्या?
हाँ सर, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा फॉलो होता है, रिस्क टेकर और रिस्क एवर्स, ये जो कैरेक्टर है सर, ये तो कोई पढ़ के नहीं आएगा, ये कैरेक्टर इंसान के अंदर का अपना पहले का कैरेक्टर है, ठीक है, जो उसका मतलब क्या बोलूँ, मतलब जन्म के बाद या उसके कर्म के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है कि वो रिस्क टेकर है कि रिस्क एवर्स है, डिपेंड करता है, ठीक है। वही मैं बोला था ना आप लोगों को, कौन वीरेंद्र सहवाग बनेगा और कौन राहुल द्रविड़ बनेगा, ये तो उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक से शो होता है ना, मतलब दोनों का अगर आप टेस्ट एवरेज देखो, टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग की 50+ एवरेज के साथ है, राहुल द्रविड़ भी 50+ एवरेज के साथ है, दोनों ही अपना खेल खेलता है, लेकिन एक रिस्क लेके खेलता है, एक रिस्क हटा के खेलता है, ठीक है। अब आप कैसे खेलोगे वो डिपेंड करता है। यहाँ पर ये देखो सर, ये भी आपका एसीसी सीमेंट का ही एक मारुबोजू का चार्ट था, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो एसीसी सीमेंट का मारुबोजू का चार्ट में, यहाँ पर मारुबोजू फॉर्म हुआ है ना अनिमेश, यहाँ पर मारुबोजू फॉर्म हुआ कि हुआ, नहीं हुआ, हाँ, मारा वो जो हुआ तो और वो भी बुलिश मारुबोजू फॉर्म हुआ, हाँ लेकिन तो फिर मार्केट तो आप ट्रेंड होना चाहिए था, हाँ लेकिन मार्केट तो आप नहीं हुआ, नहीं सर, बियरिश हो गया। इसका मतलब ये हाँ है कि कभी कभी मार्केट, मतलब देखो ये ट्रेंड 80% केस में, 90% केस में सही होता है, ठीक है, बट कभी कभी 5 to 10% चांसेस ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। जैसे एक चीज यहां से समझ में आ सकता है कि ये जो मारुबोजू प्रॉपरली प्रॉपर ट्रेंड नहीं शो कर रहा है, बिकॉज ये मारुबोजू तो हुआ है बट बड़ा ही छोटा हुआ है ना, बहुत ही स्मॉल लेवल में हुआ है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ मार्केट में बुलिश का, तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर मतलब बुलिश मारुबोजू फॉर्म होने के बाद भी मार्केट बुलिश नहीं हुआ, मार्केट बियरिश हो गया। तो इस केस में जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है, मतलब जो रिस्क लेना नहीं चाहता, जो देखना चाहता है कि नेक्स्ट दिन सुबह का मार्केट देख के मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, तो उनके लिए फायदा हो गया, मतलब उसका लॉस नहीं हुआ। यस और नो? हेलो, कुछ बात समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं आ रहा है? सर, हाँ ना, तो मारुबोजू फॉर्म होने के बाद अगर आप रिस्क टेकर बनोगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन आपका लॉस भी ज्यादा आ सकता है अगर मार्केट एग्जैक्टली मारुबोजू का ट्रेंड पर्टिकुलर डे में फॉर्म अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। सिमिलरली आप बुलिश मारुबोजू बियरिश मारुबोजू का क्लास एक बार फिर से करो, ठीक है, हो सके तो मेरे को बोलो, मैं फिर से आपको शेयर करता हूँ, उसमें मैंने एक एक पॉइंट में डिटेल्स में बात किया था, ठीक है, याद आ गया ना? हाँ सर, वो जो आपको भेजा है ना, वो थोड़ा चेक कर दीजिए ना। अच्छा, मैं चेक कर दूंगा, मैं चेक कर दूंगा, वो उसी में बात करूंगा मैं देखा अभी 2 मिनट पहले तुमने भेजा, मैं देखा, ठीक है, मैं चेक कर दूंगा। अच्छा, लास्ट क्लास हाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पिनिंग टॉप में, है ना, लास्ट क्लास हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था स्पिनिंग टॉप में, हाँ लेकिन स्पिनिंग आज टॉप में, स्पिनिंग टॉप में मैं काफी ज्यादा डिटेल्स में चर्चा किया था, ठीक है, कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक्स, इसको देखने में कुछ ऐसा होता है स्पिनिंग टॉप, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पिनिंग टॉप का स्मॉल रियल बॉडी होगा, स्पिनिंग टॉप क्या है कि थोड़ा स्मॉल रियल बॉडी होगा इसका, और अपर एंड लोअर शैडो जो है इसका, ये ऑलमोस्ट इक्वल टाइप में होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टाइप में होगा, मतलब इसका जो ओपन और क्लोज और लो का जो फर्क है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में रहेगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बॉडी नहीं होता इसका, मतलब ऐसा बहुत लंबा बॉडी बनेगा ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, बॉडी इसका स्मॉल रहेगा और अपर और लोअर शैडो दोनों साइड में इक्वल रेट में रहेगा, ये इसका कैरेक्टर है, ये स्पिनिंग टॉप का कैरेक्टर है। लेकिन आज मैं आप लोगों को स्पिनिंग टॉप नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्पिनिंग टॉप तो मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में चर्चा किया, मेरा आज का चर्चा है बेसिकली, मेरा आज का चर्चा है बेसिकली दोजी, ठीक है, मेरा आज का चर्चा है दोजी, एक सेकेंड रुकिए, कहाँ चला गया, दोजी और स्पिनिंग टॉप आप बोल सकते हो भाई भाई है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा भाई भाई टाइप में है, ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं आप लोगों को स्पिनिंग टॉप का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हर एक चीज का पॉइंट मैं आप लोगों को बताया था कि अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप का क्या कैरेक्टर है, डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप का क्या कैरेक्टर है, एवरीथिंग मैंने आपको सारा का सारा पॉइंट लास्ट दिन डिस्कशन करके दिया था। अब आपको मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दोजीज पे, ठीक है, क्या सबको मेरा आवाज और सबको समझ में आ रहा है ना क्लास का चर्चा? ज्योति, आपको समझ आ रहा है, आप काफी दिन क्लास नहीं कर पाए, बोलो। हाँ सर, ओके सर, जो पॉइंट आप लोग मतलब आपका मतलब पुराना जो क्लासेस हो गया 3-4,
वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप एक बार जैसे ही समय मिले आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि उसमें पूरा टेक्निकल एनालिसिस का बैकग्राउंड सेट किया गया है। जैसे आप लोगों को मैं एक चीज़ हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए आप लोग कुछ पॉइंट कभी मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे ये एजम्पशंस, ये टेक्निकल एनालिस्ट का ना कुछ एजम्पशंस होता है, मतलब एज ए ट्रेडर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हो, अगर आप मार्केट में मतलब पोजीशन लेते हो, ठीक है, वीकली ट्रेडिंग करते हो या बाई वीकली ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा ना कुछ पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। ये हर एक ट्रेडर का, क्या बताऊँ, मतलब ट्रेडर का एक कैरेक्टर होना चाहिए कि आपको बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस होना चाहिए। आप स्ट्रेंथ में बाई करो, वीकनेस में सेल कर दो, अगर आप ट्रेडर हो बाई माइंड, और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टर हो बाई माइंड, तब फिर आप चुपचाप रख लो, ठीक है। देखो पूरा का पूरा खेल माइंड सेटअप का है, आप बस एक बार समझिए कि पूरा का पूरा खेल माइंड सेटअप का है। अगर आप सोचते हो कि मैं छक्का लगाऊंगा तो माइंड सेटअप ही है कि आपको सिक्स मारने में हेल्प करेगा, और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे दो रन लेना है तो फिर वो भी आपका माइंड सेट ही है कि जिसमें आप दो रन लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज फुल्ली माइंड सेटअप। तो ये बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, ये एक टेक्निकल ट्रेडर का, जो लोग टेक्निकल यूज करके डे टू डे ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, वीकली ट्रेडिंग करता है, इट्स अ माइंड सेटअप, ठीक है। ये माइंड सेटअप में उसको हमेशा बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दैट इज स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय बुलिश, दैट इज ब्लू कैंडल, एंड वीकनेस इज अ बेयरिश और रेड कैंडल। हेंस लेकिन एक चीज एक मैं बताना चाहूंगा, हमेशा रेड कैंडल मतलब खराब होता है ऐसा नहीं है, आप प्लीज बात को समझिएगा। हमेशा ये तो स्टैंडर्ड रूल है कि बाय इन बुलिश कैंडल, दैट इज ब्लू और ग्रीन, जो भी आप देखते हो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ठीक है, आप ब्लू देखो ग्रीन देखो वो आपका बाइंग स्ट्रेंथ है, और आप रेड देखोगे तो बेच दोगे, नहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, ठीक है। तो ये रेड कैंडल जब फॉर्म होगा, किसी किसी रेड कैंडल का कोई मतलब रेड और ब्लू में फर्क नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी है, जैसे कि आज मैं आपको दोजी बताने जा रहा हूं, अब दोजी में रेड और ब्लू में ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, माइंड को तसल्ली देने वाला बात अलग होता है, मतलब माइंड सेटिस्फैक्शन एक अलग होता है कि ब्लू कैंडल, बुलिश कैंडल मतलब ब्लू और ग्रीन कैंडल में बाय करने में मजा आता है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी, जैसे अगर किसी को नॉर्मल प्रैक्टिस करना है तो आप लोग ऐसे, ये investing.com बोल के एक साइट है, ठीक है, जिनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्रॉपर चार्ट नहीं दिखता, वो लोग investing.com में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अदानी का एक चार्ट है, ठीक है, लास्ट 15 मिनट्स का चार्ट है, मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट्स का ही चार्ट है, ठीक है, एक दिन का भी आप कर सकते हो। तो ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का चार्ट को अगर आप थोड़ा फॉलो करते हो, ठीक है, आप देखो यहाँ पर कि कभी कभी ग्रीनिश आपको कभी कभी ग्रीन दिख रहा होगा, कभी कभी रेड दिख रहा होगा, ठीक है। तो किसी किसी के केस में ये ब्लू भी दिखेगा, मतलब ये ग्रीन के जगह ब्लू भी दिखेगा। तो एक कॉमन परसेप्शन ये है कि ग्रीन देखने से ही बाई कर लो और रेड देखने से ही सेल कर दो, नहीं, नॉट ऑलवेज, ठीक है। लेकिन मार्केट का एक रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, मार्केट का स्टैंडर्ड रूल हमें हमेशा यही सिखाता है कि बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि इसका एग्जैक्टली इफेक्ट कहाँ किस तरह से होता है। दूसरा एक रूल हमेशा याद रखना है, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। इसका मतलब कि आपको हमेशा पैटर्न के साथ फ्लेक्सिबिलिटीज मेंटेन करना चाहिए, और आपको हमेशा क्वांटिफाई एंड वेरीफाई भी करना चाहिए। दैट मीन्स आपने पढ़ लिया किताब में, क्योंकि डेफिनेशन वाइज मारुबोजू कैंडल में उसका वीक नहीं होता, ठीक है, ये एज पर डेफिनेशन है। लेकिन अगर कभी छोटा सा एक वीक निकल गया और बाकी कैरेक्टरिस्टिक पूरा मारुबोजू का है, तो क्या वो मारुबोजू नहीं होगा? सुमन, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने किताब में पढ़ा कि मारुबोजू कैंडल जो है उसका वीक नहीं होता, मतलब उसका शैडो नहीं होता, अपर शैडो लोअर शैडो नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पर आपने छोटा सा दिख लिया कहीं पर, ठीक है, एकदम हल्का सा, तो क्या आप उसको मारुबोजू नहीं मानोगे क्या? तो फिर वो मतलब शैडो नहीं फॉर्म होता, तो वो मारुबोजू हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न, मतलब जरूरत पड़ने से अपने आप को फ्लेक्सिबल भी करना पड़ेगा, ठीक है। बुक डेफिनेशन तो है एक, ऑब्वियसली हर चीज का डेफिनेशन होता है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब हम लोग काम करते हैं तब कुछ पैटर्न पे हम लोग को अलग से ध्यान भी देना पड़ता है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस, इट्स ओके। एंड अनदर थर्ड रूल क्या है, दैट इज लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड, ठीक है। प्रायर ट्रेंड का भी कुछ पैटर्न का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मारुबोजू प्रायर ट्रेंड फॉलो नहीं करता। ये जो थर्ड रूल है, ये थर्ड रूल मारुबोजू में फॉलो नहीं होता, लेकिन बाकी चीज में फॉलो होता है, बाकियों में फॉलो होता है। जैसे क्या हो गया मेरा, अच्छा
जैसे स्पिनिंग टॉप, दोजी, इन दोनों में फॉलो होता है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप में अपर ट्रेंड मतलब प्रायर ट्रेंड फॉलो होता है, टोटल फॉलो होता है। तो चलिए मैं आपको दोजीज के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को दोजी आइडेंटिफाई करने का भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आप लोग सीख पाए कि दोजी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। शुभ सुना जाच्छे, बोझा जाच्छे? तो दोजीज आर वेरी सिमिलर, ओके। दोजीज आर वेरी सिमिलर टू द स्पिनिंग टॉप्स, ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप्स के आसपास जैसा ही है, बट एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट हैव अ रियल बॉडी एट ऑल। इसका रियल बॉडी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता, इवन तो कभी कभी बॉडी बनता ही नहीं है, जैसे ऐसा थीन वेफर की तरह, वेफर होता है ना जो हम लोग बिस्किट्स की तरह खाते हैं, ठीक है, लाइक बिस्किट्स, आई डोंट नो वेफर किससे बनता है, बट बहुत पतला होता है, तो कभी कभी ऐसे थीन वेफर जैसा भी हो सकता है, और कभी कभी बनेगा तो इतना सा बनेगा, ठीक है। इसको स्टार दोजी भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, बट बेसिकली दिस इज दोजी, बेसिकली दिस इज दोजी। अब इसमें रेड दोजी फॉर्म हो या ब्लू दोजी फॉर्म, मतलब ग्रीनिश दोजी फॉर्मेशन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोजी मतलब दोजी है, ठीक है। लेकिन हाँ, सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली बाइंग के लिए, सेटिस्फैक्शन फॉर बाइंग, ऑब्वियसली जब आपको ब्लू दिखे तभी आप ज्यादा सेटिस्फाई होते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दोजी हमेशा ऐसा देखने में होता है, मतलब काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप बट नॉट एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप, ठीक है, लेकिन उसी की तरह है, ठीक है, वेरी सिमिलर टू स्पिनिंग टॉप बट नॉट एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप। कैरेक्टर वैसा ही है, कैरेक्टर भी वैसा ही है, कभी कभी ये दोनों जोड़ी बन जाता है, दोजी और स्पिनिंग टॉप कभी कभी जोड़ी बन जाता है, मतलब एक साथ फॉर्म होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, दिस मीन्स द ओपन एंड क्लोज प्राइस आर इक्वल। ऐसा कब हो सकता है कि जब किसी का बॉडी फॉर्मेशन ना हो, जब उसका क्लोज और ओपन इक्वल हो जाए, है ना अनिमेश? ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस अगर किसी का इक्वल हो जाता है तो बॉडी कैसे बनेगा? 100 में ओपन हुआ था और 101 में ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, तो फिर बॉडी कैसे फॉर्म होगा बोलो? ये जो बॉडी फॉर्म हो रहा है, ये ओपन और क्लोज एक हो जाने से बॉडी फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, एग्जैक्टली। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ खेल चलता है। तो दोजीज प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, बट बॉडी फॉर्म नहीं होता तो क्या वो कैंडल नहीं है, या फिर क्या उससे कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकलता? बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बाहर निकलते हैं तरुण बाबू, एक टू देखुन जागाटा, खूब इंटरेस्टिंग। दोजीज प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड इज एन इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न, बिकॉज वेन एवर देर इज अ दोजी, ये मार्केट का ना सेंटिमेंट के लोग चलता है, मार्केट का एक अपना सेंटिमेंट होता है, और ये सेंटिमेंट से पहले, जैसे कि स्पिनिंग टॉप का भी सेम केस था कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा तूफान आने से पहले एक जो शांति का वातावरण, ठीक है, मतलब या तो आप होगा या तो डाउन होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। दोजी इज एग्जैक्टली वैसा ही है। द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ दोजी सजेस्ट दैट ओपन प्राइस शुड बी इक्वल टू द क्लोज प्राइस, ये क्लासिक डेफिनेशन है, विद वर्चुअली अ नॉन एग्जिस्टेंस रियल बॉडी। द अपर एंड लोअर विक्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, अपर एंड लोअर विक्स कुछ भी लेंथ का हो सकता है, मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा दोनों साइड में। हाउएवर, कीपिंग इन माइंड द सेकेंड रूल, दैट इज, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बी फ्लेक्सिबल, वेरीफाई, क्वांटिफाई। इवन इफ देर इज अ वेफर थिन बॉडी, द कैंडल कैन बी कंसिडर्ड एज दोजी। ऑब्वियसली द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर हियर, एग्जैक्टली, इसमें कलर मैटर नहीं करता, मतलब ब्लू कैंडल डे है और ग्रीन कैंडल डे है, या फिर रेड कैंडल, बेसिकली ब्लू और रेड में बात करें या ग्रीन और रेड में बात कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है, डजेंट मैटर। इन केस ऑफ ए वेफर थिन रियल बॉडी, व्हाट मैटर इज द फैक्ट दैट ओपन एंड क्लोज प्राइस वेर वेरी क्लोज टू ईच अदर। द दोजीज हैव सिमिलर इंप्लीकेशन एज द स्पिनिंग टॉप, मैं आपको अभी इंपैक्ट दिखाता हूँ इसका, ठीक है। वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम द स्पिनिंग टॉप, जो भी हम लोग स्पिनिंग टॉप से सीखे हैं, सेम टू सेम दोजी में भी अप्लाई होता है। इनफैक्ट मोर ऑफन देन नॉट द दोजीज एंड स्पिनिंग टॉप्स अपीयर इन ए क्लस्टर, जोड़ी में आ जाता है, एक साथ फॉर्म होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक साथ भी फॉर्म होता है, दोनों पास पास में, जैसे दो भाई है, ठीक है। इंडिकेटिंग दी इंडिसीजन इन द मार्केट, मतलब मार्केट ना इंडिसीजन मूवमेंट में चले जाते हैं। जैसे स्पिनिंग टॉप को अगर आप याद करें, लास्ट क्लास स्पिनिंग टॉप में क्या हुआ था कि इंडिसीजन क्या होता है कि बियर चाहता है मार्केट को नीचे खींचे, बुल चाहता है कि मार्केट को वो अप ट्रेंड में लेके जाए, लेकिन इन दोनों के लड़ाई में कोई सक्सेस होता है क्या? हाँ सुमन बोलो, बुलिश और बियर के लड़ाई में कोई सक्सेसफुल हो पाता है क्या? जब स्पिनिंग टॉप और दोजी फॉर्म होता है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। कोई भी सक्सेस नहीं होता।
ना पियर सक्सेस होता है ना बुल सक्सेस होता है, और इस डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ बोलो, एक डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ एग्जैक्टली, मतलब जो बुल, मतलब जो मार्केट सेट में जो लोग बुलिश ट्रेंड में सोच रहा है, ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो लोग बाइंग माइंड सेटअप के साथ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाइंग माइंड सेटअप के साथ होते हैं, मतलब बुलिश सेटअप के साथ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल करना चाहता है मार्केट में। अब इन दोनों का लड़ाई चलता है, बट कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। मतलब बेसिकली ये जो बुल और बियर का लड़ाई है, तो क्या ये सच का बुल बियर है? ये एक्चुअली इंसान का माइंड है। कुछ लोग सपोज मानो कि हमारे क्लास में अभी 7-8 जन है, 4 जन सोच रहा है कि बुल, मतलब बाई करेंगे किसी स्टॉक को, और 4 जन सोच रहे नहीं सेल करेंगे स्टॉक को। जब तो जब वो साइडवेज चलता है तब डोजी ज्यादा फॉर्म होता है ना। एग्जैक्टली हाँ, जब साइडवेज चलता है वो तो इनडिसीजन में ही तो साइडवेज होता है ना। इनडिसीजन का मतलब ही तो साइडवेज है ना। इनडिसीजन का मतलब ही तो साइडवेज है। मतलब इंग्लिश में अगर हम थोड़ा सा मैटर को, बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, इनडिसीजन इज द मीनिंग ऑफ साइडवेज। मतलब मार्केट कुछ भी, मतलब ना तो ट्रेंड कुछ भी नहीं ले पा रहा है, वो थोड़ा साइडवेज चल रहा है। इसका मतलब वो कुछ भी सोचने के लिए मतलब सोच नहीं पा रहा है। मतलब मार्केट अभी थोड़ा सा मतलब चुपचाप है, न्यूट्रल हो जा रहा है, बार 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 न्यूट्रल हो जा रहा है, चुप हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में ही ज्यादातर केस में डोजी या स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जस्ट देखिए, ये सब रियल डेटा ही है। जैसे कि ये अंबुजा सीमेंट का डेटा है, ठीक है, ये अंबुजा सीमेंट का डेटा है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 223.750 में चल रहा था। ठीक है, थोड़ा पुराना डेटा है, बट कैंडल इज इंपॉर्टेंट, आपको कैंडल समझना है, चाहे डेटा कितना भी पुराना हो। ठीक है, अच्छा, अब कैंडल में क्या है, इनफैक्ट मोर ऑफन देन नॉट द डोजीज एंड स्पिनिंग टॉप्स अपीयर इन अ क्लस्टर इंडिकेटिंग इंडिसीजन इन द मार्केट। Have a look at the chart below. Where the dojis appear in the downtrend, indicating indecision in the market before the next big move. Just look here. Just look here. क्या सबको दिखाई दिया? Doji. कौन सा है बोलिए तो? Doji. Proper level में. तीनों ही doji है most probably. सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लग रहा है. ये doji है. This is. दिखाई दे रहा है? ये भी doji है. पहला वाला. doji. हाँ, मतलब ये स्टार्टिंग वाला स्पिनिंग टॉप का थोड़ा ले रहा था, बट स्पिनिंग टॉप बन नहीं पाया, बिकॉज स्पिनिंग टॉप का बॉडी थोड़ा बड़ा होगा, स्पिनिंग टॉप का बॉडी इतना छोटा नहीं होता है। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट वन एंड ऑल्सो सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही, ये तीनों ही डोजी फॉर्म हुआ है, लगातार डोजी फॉर्म होके रखा है, लगातार तीन सेशन में डोजी फॉर्म हुआ है। क्या सबको दिखाई दे रहा है? क्या अब इसके बाद का सिचुएशन देखिए आप। ठीक है, पहला बात ये हाँ बोलिए, डोजी पड़े कि ওটা মারুবুজি হয়েছে যে লম্বা স্ট্রিকটা হয়েছে? না না, এটা মারুবুজি না, এটা আলাদা, পরে বলবো এটা। ঠিক আছে, এটা আলাদা, এটা মারুবুজি না, মারুবুজি এখানে নেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে মারুবুজি পড়ে, তিনটে ডোজি পড়ে যে লম্বা স্ট্রিকটা, ওটা কি অন্য কিছু? কোনটা, এই তিনটের মধ্যে? না না, এটাও 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 একটা, এই যে তিনটে আছে না, এই তিনটে পড়ে ওটা, এটা এটা বলছেন তো? এটা নয়, এটা না, এটা না, এটা এটা তো বুলিশ ট্রেন্ডটা নিয়েছে, ওটার জন্য একটা ফর্মেশন হয়েছে, এটা আমি পরে বলছি। এটা অনেক রকম আছে, পেপার আমব্রেলা আছে, অনেক রকম ক্যান্ডেল আছে, আমি এখন সব কিছু একসাথে বোঝাতে চাইছি না। ঠিক আছে, আমি হ্যাঁ বলুন, ডোজির এই যে শ্যাডোগুলো তৈরি হচ্ছে, কারোরটা বড় কারোরটা ছোট, শ্যাডোটা ডিপেন্ড করে আপার আর লোয়ার প্রাইসের উপরে। আচ্ছা, শ্যাডোটা ডিপেন্ড করছে ওপেন আর ক্লোজ, ওপেন কতই হয়েছে, হাই কতই গেছে, ক্লোজ কতই হয়েছে, এটা ডিপেন্ড করছে। মানে ওপেন কিতনে মে হুয়া হ্যায়, হাই কিতনা গয়া হ্যায়, ক্লোজ কিতনা গয়া হ্যায়, উস পে ডিপেন্ড করতা হ্যায় আপার আর লোয়ার শ্যাডো কা ডিফারেন্স। মে আপকো অভি এক্সাম্পল কে সাথ হি বাতাউঙ্গা, ওয়েট না, অভি এক্সাম্পল মে ক্রিয়েট করতা হুঁ সারা কা সারা। পহলে মতলব তিন প্যাটার্ন ফলো করতে হ্যায় নরমালি, পহলে ইসকা জো প্রভিশন হ্যায় দ্যাট ইজ থিওরি, ঠিক হ্যায়, উসকো পহলে দেখনা হোগা, ফির ক্যান্ডেল কো দেখনা হোগা, অর উসকে বাদ আগার কুছ ক্যালকুলেশনস হ্যায় তো ওও ভি দেখনা হোগা। ठीक है, मैं आगे आगे आता हूँ, लेकिन अभी ट्रेंड तो मतलब इतना तो क्लियर हो रहा है कि अच्छा, हम लोग अगर कभी डोजी देख गया, मतलब अगर किसी को डोजी देखने को मिल गया तो वो डोजी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अदानी पोर्ट में डोजी फॉर्म दिखाता हूँ, देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। अनिमेश थोड़ा हेल्प करना, अनिमेश ये मेरे को ना अचानक दिखता नहीं है, बहुत टाइम लगता है देखने में। देख तो डोजी दिख रहा है कहीं पर? सुबह डोजी यहाँ पे सर है, बहुत सर बिडिल में जो एक तो है ना बड़का, उसके साइड में
ये यहाँ पर एक मिला, ठीक है, दोजी है, बहुत सारा दोजी है, दोजी बहुत फॉर्म होता है, बिकॉज मार्केट बहुत बार हम लोग देखते हैं कि इंडिसीजन मूवमेंट में रह जाता है। सर, हाँ बोलो। सामने चला गया, बीच वाला, बीच वाला, प्लस वाला, ये हाँ, हाँ ये हाँ राइट में, थोड़ा राइट हाँ में एक, राइट ये वाला ये ना, भी है, उसके राइट आगे में, और भी है, राइट में, हाँ राइट में है उसके आगे ना, भी है, ये उसके आगे, वाला। हाँ 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 ये हाँ वाला, बहुत सारा दोजी है, मतलब देखो मार्केट इंडिसीजन मोमेंट लेके रखा है, लेकिन उसके बाद एक चीज देखा आपने, ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड है, ये वैसे इंडिसीजन मारो बुजु क्यों? फॉर्म हुआ तो हाँ कहाँ पर मारो बोजू फॉर्म हुआ, ये या तो मारो, जहां से आपने लिया, हाँ ये मारो बोजू है। हाँ देखो सर दोनों चीज यहाँ पर फुलफिल हो गया, बाकी कैंडल भी आऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पर एक और भी है, हैमर है, पेपर अम्ब्रेला है, मैं सभी की चीजें मैं बारे में बात करूंगा, सर ठीक। हाँ बोलो सर बोलो। जो यहाँ माडभुजु क्रिएट हुआ है हाँ उसका तीन को छोड़ के लेप में, हाँ ये क्या स्पिंग टॉप है, लेप कौन सा, ये में, लेप में आइए ना, लेप में, लेफ्ट में, हाँ दिस इज, हाँ लेप में स्पिंग टॉप, हाँ हाँ स्पिनिंग टॉप और दोजी का एक मिक्स टॉप बोल सकते हो आप, दोनों ही क्या है, स्पिनिंग टॉप और दोजी, हाँ दोनों का मिक्स टॉप है, मतलब एग्जैक्ट दोजी, एग्जैक्ट दोजी, जैसे ये एग्जैक्ट दोजी है, ठीक है, ये एग्जैक्ट दोजी है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट दोजी ही है, ऑलमोस्ट दोजी है, स्पिनिंग टॉप भी थोड़ा बहुत है इसके अंदर, बट ऑलमोस्ट दोजी है, मतलब पूरा, मतलब एक्चुअली बॉडी प्रॉपरली बना नहीं है। दोजी और स्पिनिंग टॉप में मेन फर्क क्या है कि स्पिनिंग टॉप में बॉडी होता है लेकिन दोजी में बॉडी नहीं होगा, ठीक है, दोजी में बॉडी नहीं होगा, कभी कभी तो इतना थीन होगा कि बॉडी बनेगा ही नहीं, जैसे यहां पर हुआ है, ये अदानी ग्रीन का, अदानी पोर्ट का है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो देखिए आप कि जब दोजी फॉर्म होता है ना तो मार्केट इनडिसीजन में चलता है, देखिए ये मार्केट इनडिसीजन में है, मतलब क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन सेशन, जैसे कि 15 मिनट का टाइम है, देखो ये मैंने 15 मिनट का सेशन लिया, जैसे ही दोजी फॉर्म हुआ उसके ठीक 15 मिनट के अंदर मार्केट देखिए आप ट्रेंड लिया, ये चीज देखिए यहां पर आपको मैं अदानी पोर्ट में दिखाया, और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगर आप नोट्स के अंदर भी देखेंगे एसीसी अंबुजा सीमेंट में आपको सेम ट्रेंड दिखेगा। ओहो क्या हो गया ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट लुक हियर, सेम कॉन्सेप्ट, ये भी दोजी फॉर्म हुआ था, उसके बाद देखिए जैसे ही दोजी फॉर्म हुआ ये पूरा अप ट्रेंड चालू हो गया मार्केट में, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस मूवमेंट में दोजी अपियर कर रहा है, और दोजी के बाद मार्केट में मूवमेंट होगा ही होगा, लेकिन संगे संग नहीं होता है, नॉट इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली, थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा हलचल रहता है, कभी कभी इमीडिएट हो सकता है, बट उसका मतलब ये कि इनडिसीजन चल रहा है मार्केट में, वो डाउन ट्रेंड में भी फॉर्म हो सकता है, अप ट्रेंड में भी फॉर्म हो सकता है, अगर मानिए कि जैसे ये अगर दोजी है, इसके बाद का डेटा यहाँ पर है नहीं है, इसके बाद हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है, मतलब दोजी फॉर्म होने के बाद या तो मार्केट बुलिश होगा या तो मार्केट बियरिश होगा, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ सर, बोल रहे कि पुलिस हो या बिरयानी हो डोजी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तो जान लो, देखो ना यहाँ पर तीन तीन दोजी फॉर्म हुआ है, एक बुलिश है दो बियरिश है, क्या फर्क पड़ा है, मतलब एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल है एक ब्लू कैंडल है, कुछ फर्क पड़ा है क्या? और फर्क सर पड़, हाँ बोलो सर बोलो, तो लास्ट वाला जो बुलिश डोजी क्रिएट हुआ इसलिए आप ट्रेंड हो गया क्या, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन में जरूर डाल सकता है, नॉट नेसेसरी, बट ऑब्वियसली आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकते हो, मैं आपको आगे ऐसा भी पॉइंट दिखाऊंगा जहां पर ब्लू फॉर्म नहीं हुआ फिर भी मार्केट अप गया है, ऐसा भी मिलेगा आपको, आपको ऐसा भी ठीक है देखने को सर, मिल सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी बट हाँ थोड़ा कंफर्टेबल आप जरूर फील कर सकते हो, मतलब आपको ये कंफर्टेबलनेस आएगा अंदर, अच्छा चलो ब्लू हुआ है मतलब मार्केट अप होगा, ये फीलिंग आपको आ सकता है। एक दूसरा चार्ट देखो, ये अपोलो हॉस्पिटल का है, दोजी अपीयर्स आफ्टर ए हेल्दी अप ट्रेंड आफ्टर विच द मार्केट रिवर्स इज डिरेक्शन एंड करेक्ट्स, ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, जस्ट लुक हियर, ये रहा दोजी, ये रहा दोजी, ये जो थोड़ा बड़ा बड़ा उसका शेडो बन गया है और बीच में एकदम पतला सा बॉडी बना है, पहला वाला दिखाई दे रहा है, छोटा सा बॉडी बना है और दोनों साइड में थोड़ा लंबा लंबा उसका वीक बना है, दिखाई दिया आप लोगों को? हाँ क्या डोजी है, हाँ वो दोजी है, दोजी का मेन कैरेक्टर यही है कि उसका शेडो बड़ा होगा छोटा होगा फर्क नहीं पड़ता,
दोजी का मेन कैरेक्टर है कि उसका बॉडी छोटा होगा और दोनों साइड में जो उसका वीक है वो थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, उसमें मेन बात नहीं है। और भी एक दोजी है, देखो यहाँ पर भी एक दोजी बना है, ये भी एक दोजी बना है, ये देखो ये रेड से पहले ये थोड़ा छोटा है, दिख रहा है, दिखाई दिया आप लोगों को? हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो दादा, একটু জুম করুন না হলে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু। আচ্ছা জুম কর, আচ্ছা এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড, এবারে দেখ, আব দেখো দিস প্যাটার্ন, ইভেন দিস ইজ অলসো, দিস ইজ অলসো, मार्केट का इंडिसिशन समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए मुझे यार, ये इसका कारण के पीछे दोजी है। हेलो सुबह, हाँ सर, हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर ठीक ठाक। हाँ तरुण बाबू কিছু বলছিলেন, বলুন, বোঝা যাচ্ছে কি না? একটা জিনিস সবসে পেলে এক চিজ দেখো কি জব ভি দোজি দেখনে কো মিল জায়ে মার্কেট মে ইন্ডিসিশন ইয়ে তো কনফার্ম হ্যায়, ইয়া তো মার্কেট জেসে অ্যাপোলো হসপিটাল কা ইয়ে দেখ কে হামকো ইয়ে সমঝ মে আ রহা হ্যায় কি মার্কেট মে ইন্ডিসিশন হ্যায়, উসকে বাদ মার্কেট ডাউন ট্রেন্ড হ্যায়। और मजा का बात यह है कि यहां पर दोजी फॉर्म हुआ है बुलिश ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट था, अप ट्रेंड में मार्केट था, इंडिसिशन क्रिएट हुआ बीच में और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया। बट डजंट मैटर, इसका मतलब ये नहीं है कि दोजी होने के बाद मार्केट बुलिश ही होगा या बेरिश होगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये चीज तो मैं आपको बार बार बोलूंगा, दोजी या स्पिनिंग टॉप, आपको जब भी कुछ भी दिखे मार्केट आप होगा कि डाउन होगा, ये आपका थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस भी कुछ है, मार्केट न्यूज भी एक मैटर करता है, फंडामेंटल भी एक मैटर करता है, ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है। हमेशा सिर्फ ट्रेंड से देखे बात नहीं चलना चाहिए, ठीक है, रस्ते में चलने का हजारों उपाय हो सकता है, बट मतलब हमेशा एक होता है ना कॉमन सेंस भी काम करता है। आपने ट्रेंड देख लिया, इंडिसिशन देख लिया, इसका मतलब मार्केट डाउन होगा, आप होगा, कुछ तो होगा, बट इसके साथ आपको बताने के लिए और भी तो कारण होंगे। जैसे अगर आपको अचानक मार्केट में सुनने को मिलता है कि जैसे मैं आपको कुछ एनालिसिस, मेरा खुद का जो मैं ग्रुप में डिस्कशंस करता रहता हूँ, जैसे मैं अदानी ग्रीन के बारे में कुछ बात किया था, मैंने एसबीआई लाइफ के बारे में कुछ रिसेंटली बात किया था, मैं कुछ चीज़ें ट्रेंड देख के भी बोलता हूँ मेरे पर्सनली, और कुछ चीज़ें मैं फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, दिस इज माई पर्सनल कॉन्सेप्ट कि मैं फंडामेंटल को बहुत ज़्यादा, एसबीआई लाइफ का शेयर में अगर आप देखें कि इतना ज़्यादा इसका अप ट्रेंड इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ प्रीमियम कलेक्शन, ठीक है, प्रीमियम कलेक्शन। अगर आप एसबीआई बैंक को भी देखें, उसका भी मेन कारण है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसका कम हुआ है, अदानी ग्रीन को कुछ प्रोजेक्ट मिला है बहुत अच्छा अच्छा। तो अगर मार्केट में साथ में न्यूज भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज हो तो मार्केट अप ट्रेंड होगा, साथ में इंडिकेटर भी आपको हेल्प कर रहा है। आप बात समझ में आ रहा है आपको कि मार्केट बुलिश होगा बेरिश होगा, इसके पीछे ये कारण तो ऑब्वियसली है, ठीक है, इंडिसिशन भी समझ में आ रहा है, बट उसके बाद मार्केट डाउन होगा कि मार्केट अप होगा, इसके पीछे आपको कभी कभी किसी किसी कंपनी का न्यूज भी दिखेगा और उसके पीछे कुछ रीजन भी दिखेगा, लेकिन कभी कभी कुछ न्यूज नहीं है, तब तो आपको सिर्फ मार्केट मूवमेंट पे ही मतलब बेसिकली डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है और किस तरह से आप अपना मार्केट में पोजिशन ले सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी आइदर ए स्पिनिंग टॉप और दोजी इंडिविजुअली और इन ए क्लस्टर, मतलब जोड़ी में भी अगर आपको दिख जाए, रिमेंबर देयर इज इंडिसिशन इज द मार्केट, द मार्केट कुड स्विंग आइदर वेज एंड यू नीड टू बिल्ड ए स्टांस दैट अडॉप्ट्स टू द एक्सपेक्टेड मूवमेंट इन द मार्केट। अब ये एक्सपेक्टेड मूवमेंट के बारे में ही मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्केट का एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या होगा, इसके लिए हो सकता है कुछ और भी मतलब तीसरा या चौथा रीजन हो, मे बी देयर इज अ थर्ड और फोर्थ रीजन, अगर रीजन मिल जाए तब आप कंफर्म हो जाओगे, लेकिन अगर आपको रीजन नहीं मिलता है तब आपको मार्केट मूवमेंट में ही भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब भी आप इंडिसिशन मूवमेंट में मार्केट को देखते हो, अगर आप मार्केट में मतलब शॉर्ट सेल करना चाहते हो
मतलब अगर आपको लगता है कि शॉर्टिंग हो सकता है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, तो शॉर्टिंग ले सकते हो आप, ठीक है, मतलब पहले सेल करके बाद में बाई करना, ठीक है, आप शॉर्टिंग पोजीशन ले सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है नहीं मार्केट बुलिश जाएगा, तो अगर आप बुलिश जाएगा तो आप मार्केट में बाइंग पोजीशन ले सकते हो, ठीक, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अदानी में भी देखा दो, मतलब अभी 15 मिनट का इसमें, और अगर आप इसमें भी देखो ये एसीसी सीमेंट का, इसमें अगर आप पहले से आप इंडिसिशन मूवमेंट देखते हो तो आप बाइंग के लिए रेडी हो सकते हो, आपका पोजीशन बाइंग के लिए रेडी हो सकता है कि नहीं मुझे बाय करना है, और एक मतलब अभी माइंड सेटअप कि शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे कि लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ऑब्वियसली यहाँ पर शॉर्ट टर्म ही लेना चाहिए, दिस इज शॉर्ट टर्म एरिया, ठीक है, ये 15 मिनट्स का ट्रेंड था, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हो, 15 मिनट में प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हो, दिस इज योर रिस्क एपेटाइट के ऊपर। तो जब भी आपको इंडिसिशन दिखे आप पोजीशन ले लो, बेसिकली आप पोजीशन ले लो, आप बाइंग के लिए भी पोजीशन ले सकते हो, अगर आपने सोच लिया बाय तो बाय ही करना, ठीक है, अब रिस्क टेकर भी बन सकते हो, रिस्क एवर्स भी बन सकते हो, से फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट डे मार्केट में कुछ मतलब बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, रिस्क एवर्स बच गया, बट रिस्क टेकर प्रॉफिट करके निकल गया, बट रिस्क एवर्स के लिए क्या है, जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहता उनके लिए क्या होता है ना कि वो देखता है नेक्स्ट दिन कन्फर्म करता है, वो नेक्स्ट दिन कन्फर्म करेगा बुलिश होगा तभी जाकर ट्रेड लेगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही फॉर्मेशन हो गया वो पोजिशन ले लिया, तो उसको फायदा हो सकता है ज्यादा, लेकिन साथ में रिस्क भी लाते हैं वो, साथ में मतलब वो रिस्क साथ में लेके चलते हैं, रिस्क टेकर रिस्क साथ में लेके चलता है, रिस्क एवर्स थोड़ा सा अपना रिस्क को कम करता है लेकिन प्रॉफिट भी उसमें उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोजी का एरिया, बोलिए एनी डाउट अबाउट दोजी। अब आप लोगों का घर में काम रहेगा कि आप कोई भी कंपनी का, जैसे कि अदानी पोर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अदानी पोर्ट में ही देखिए, या फिर कोई भी और कंपनी, आप दूसरा कोई भी कंपनी एसीसी देख लीजिए, ठीक है, आप दोजी ढूंढिए और ट्रेंड देखिए, दोजी ढूंढिए और ट्रेंड देखिए, जैसे यहाँ पर दोजी देखा हमने और उसके बाद का ट्रेंड भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, दोजी मार्केट भी इंडिसिजन क्रिएट करेगा और इंडिसिजन के बाद मार्केट में मूवमेंट आएगा, या तो बुलिश या तो बेयरिश, कुछ तो होगा लेकिन होगा तो सही। हेलो, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? ज्योति, ओके, এটা তো ডিপেন্ড করছে দ্যাট পার্টিকুলার ডে তে ওপেন অর ক্লোজটা কতই হয়েছে, ঠিক আছে, ওপেন অর ক্লোজটা কতই হয়েছে এটার উপরে ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে, এটা 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 যখনই আপনি দেখতে পাবেন তখনই তো আপনি বুঝে যাবেন কি এটা দোজি হবে, মানে লো আর হাইটা দেখায় সেই দিনে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি যদি ওপেন আর ক্লোজ খুব কাছাকাছি হয়, একদম কাছাকাছি, 100 ওপেন হয়েছিল আর 100 তেই অলমোস্ট ক্লোজ হয়ে গেছে, তাই না, কিন্তু হাই গেছিল একটুখানি, সামান্য হাই গেছিল, 103 গেছিল বা 104 গেছিল, 104 মে হাই গিয়া থা, তো ইন দ্যাট কেস एक चीज होगा ना, बॉडी फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज ओपन और क्लोज सेम है, बट हाई और लो के कारण उसका वीक तो फॉर्म होगा, प्लीज टेल मी, ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये शैडो कैसे फॉर्म होता है, शैडो फॉर्म होता है हाई और लो के कारण, और बॉडी फॉर्म होता है ओपन और क्लोज के कारण, है ना, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, ये जो शैडो होता है ये शैडो डिपेंड करता है कि हाई कितना गया है, इधर का शैडो डिपेंड करता है कि लो कितना गया है, और ये बॉडी डिपेंड करता है ओपन और क्लोज में कितना डिफरेंस है। अच्छा, आपने এখানে এই যে হাই একটা লিখেছেন, এখানে দেখুন মাঝারি বডি আছে, আচ্ছা আমি এখান থেকে দেখাতে পারছি না, হ্যাঁ বলুন আপনি, শ্যাডো দেখুন শুধু নিচে নামানো একটা শ্যাডো, হ্যাঁ আমি শেখাবো, এটাই শেখাবো এখন, এটাই শেখাবো, ওয়েট আমি এটাই শেখাবো, পেপার আমরেলা এটা, হ্যাঁ বলুন, তার পাশে কি হয়েছে, তার একটা পড়ে, হ্যাঁ বলুন আরেকটা, তারপরে হ্যাঁ এই দুটো দোজি, তো এই দুটো পরেই দোজি, এইটা পরে, হ্যাঁ এইটা দোজি, এইটা দোজি, আগে যেটা পাতলা একদম লো বডি যেগুলো, হ্যাঁ 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 একদম লো বডি, আপার শ্যাডো আছে লোয়ার শ্যাডো আছে, না না এটা আপার শ্যাডো লোয়ার শ্যাডো নেই, যে দুটো এই যে ওর আগে এইগুলো, হ্যাঁ না এটা তো মার্কেটে কোনো মানে মুভমেন্টই হয়নি, না দিস ইজ নট দোজি, দোজিতে দোজি দোজি হোক তো উসকা আপার শ্যাডো লোয়ার শ্যাডো তো হোক,
ठीक है जी, ये पर्टिकुलर सेशन में कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है, इसलिए कोई मतलब बॉडी हुआ है बट कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, मतलब उसका कोई वीक फॉर्म नहीं शुरू हुआ, दैट इज नॉट डोजी. दिस इज ऑल्सो मतलब इंडिसीजन सिचुएशंस का ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, कि मार्केट में कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये भी इंडिसीजन ही है बट नॉट एग्जैक्ट डोजी, जिसको डोजी नहीं बोल सकते. डोजी का कैरेक्टर ऐसा है, डोजी इज अ परफेक्ट डोजी, परफेक्ट डोजी कभी कभी थीन वेफर जैसे भी देखने में हो सकता है. डोजी मास्टर शैडो. की बोलन बुझते পারলাম না. मास्टर शैडो. हां शैडो থাক দে, ডোজি তে শ্যাডো থাক দে, শ্যাডো অবভিয়াসলি থাক দে, বিনা শ্যাডো তে ডোজি হবে না, শ্যাডো ইজ মাস্ট. ये ডোজি का जो देख सकते हैं आप यहां पर, दिस इज ডোজি লুকস লাইক দিস, या तो एकदम थीन वेफर जैसा, या फिर रेड ডোজি, या फिर ब्लू ডোজি, बट कलर डजंट मैटर, मतलब फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस कलर डज नॉट मैटर. मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लू डोजी हुआ है तो फिर मार्केट बुलिश होगा, नॉट नेसेसरी, बट हाँ ऑब्वियसली थोड़ा कंफर्टेबल फीलिंग आएगा कि हाँ हो सकता है, ये आपको मैं बोल सकता हूँ, ये फीलिंग थोड़ा देता है बट नॉट नेसेसरी कि बुलिश ही होगा. ओके तो बेसिकली ये था स्पिनिंग टॉप एंड डोजी रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें, ठीक है, एक एक का कैरेक्टर भी समझे और उसका कैरेक्टर के बेसिस में हमारा पोजीशंस भी ले सकते हैं. एक काम करते हैं, इतना सारा बात हुआ डोजी और स्पिनिंग टॉप में, तो कुछ कंक्लूसिव पॉइंट भी निकाला जाए कि अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर डोजी और स्पिनिंग टॉप से क्या क्या पोजीशन लेना चाहिए. एक समरी फटाफट देख लीजिए. स्पिनिंग टॉप हैज अ स्मॉल रियल बॉडी, अपर एंड लोअर शैडो आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ. स्पिनिंग टॉप में क्या होगा, स्मॉल रियल बॉडी होगा, अपर एंड लोअर शैडो आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ. Color of the spinning top does not matter, exactly same for doji. What matters is the fact that the open and close price are very close to each other. Spinning tops conveys indecision in the market with both bulls and bears being in equal control. Dono ka control rehta hai. Spinning top at the top end of the rally indicates that either the bulls are taking a pause before they can resume the uptrend further, or the bears are preparing to break the trend. In either case, the trader's stance has to be cautious. If the trader intends to buy, he is better off buying only half the quantity. This is the point. अगर आपको कभी भी ऐसे point में अगर आपको buy करना है, तो आपका जो total buying budget है, आप half buy करो, half, only half the quantity. And one should be wait for the market to move in his direction. मतलब अगर आपने bullish concept में invest मतलब trade किया, तो आप सब say for example आप 500 share पे trade लेना चाह रहे थे, don't go with all the 500. Go with 250 and another 250 जब आप confirm हो जाओगे तब करना. इसमें क्या होगा, आपका loss को आप basically इसको बोलते हैं, जब हम लोग इस तरह से किसी चीज को control करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कोई बोल सकता है, इसका एक बहुत ही interesting नाम है stock market या financial world में, कि जब हम लोग risk को control करते हैं, इसका एक नाम होता है, इसको बोलता है hedging करना, हेजिंग, ठीक है, यही चीज ही. हाँ बोलो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेजिंग. ठीक है, हेजिंग में क्या होता है, रिस्क को कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, मतलब ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, आचार्य चाणक्य का टाइम का हेजिंग कॉन्सेप्ट है. हमारे देश में चाणक्य ये कॉन्सेप्ट लाया था स्पेशली फॉर दी फार्मर्स. ठीक है, वो किसानों से प्रोडक्ट पहले खरीद लेता था जब मार्केट में किसान को ऐसा लगता था कि दाम नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये हो जाता था किसान अपना रिस्क को कंट्रोल कर लेता था, कि अगर बाय चांस वेदर के कारण उसका फसल खराब होने का चांसेस होता था, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दाम जरूर मिल जाता था. ठीक है, तो ये हेजिंग कॉन्सेप्ट चाणक्य ने अप्लाई किया था, और वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, अगर आप कन्फर्म नहीं होते हो तो आप पूरा का पूरा अमाउंट मत डालो, आप आधा अमाउंट ट्रेड में डालो. 500 शेयर में ट्रेड लेना चाहते, आप 250 शेयर में ट्रेड लो, बाकी 250 व्हेन यू कन्फर्म तब ट्रेड लेना. ठीक है, तो ये रहा बेसिकली, जब भी आपको स्पिनिंग टॉप में ट्रेड लेना हो, इंडिसीजन में ट्रेड लेना हो, तो इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ओके, सेम टू सेम अगर स्पिनिंग टॉप बॉटम ट्रेंड में आ जाए, तो दैट इज बॉटम ट्रेंड में होगा तो मोस्ट प्रोबेबली रैली करेगा बुलिश में, बट अगर ऐसा प्रॉपर ना हो तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, आप 50% को लेकर रैली करो, बाकी 50% बाद में कर देना. स्पिनिंग टॉप एट द बॉटम एंड ऑफ द रैली इंडिकेट दैट आइदर द बियर्स आर टेकिंग ए पॉज
before they can resume the downtrend further or bulls are preparing to break the trend and take the markets higher. Dono ladai chalta rehta hai in logo ka. Either case, the trader's stance has to be cautious. If trader is intent to buy, he is better off buying only half the quantity and one should wait for the market to make the move. ओके मतलब स्पिनिंग टॉप इन अप ट्रेंड हो या स्पिनिंग टॉप इन बॉटम ट्रेंड हो आपको दोनों केस में 50% मार्केट सजेस्ट करता है बाकी डिपेंड करता है आपका रिस्क कैपिटाइट लेकिन एक चीज मैं बार बार बोलूंगा कि ये कैलकुलेटिव रिस्क है जो भी रिस्क आप लेना चाहते हो अब प्लीज उसमें पूरा का पूरा रहना मतलब अपना पोजिशन में पूरा रहना ऐसा नहीं कि आधा जाने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाएगा लॉस होगा तो होने दीजिए लॉस होगा तो कितना होगा जितना स्टॉप लॉस आप करेंगे और स्टॉप लॉस का भी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको स्पिनिंग टॉप के समझा के रखा कि कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आज मैं आपको दूसरा पॉइंट में भी स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट फिर बताऊंगा दोजीज आर वेरी सिमिलर टू स्पिनिंग टॉप्स दोजीज ऑल्सो कन्वे इंडिसिजन इन द मार्केट बाई डेफिनेशन दोजीज डू नॉट हैव अ रियल बॉडी हाउएवर इन रियलिटी इवन इफ वेफर थिन बॉडी अपीयर्स इट इज एक्सेप्टेबल अ ट्रेडर्स स्टांस बेस्ड ऑन दोजी इज सिमिलर टू स्टांस टेकन व्हेन अ स्पिनिंग टॉप ऑकर्स एग्जैक्टली सेम टू सेम है दोजी और स्पिनिंग टॉप का रिलेशनशिप कुछ इसी तरह से बना हुआ है ओके दोजी स्पिनिंग टॉप बहुत हो गया मारुबुजू में भी बहुत बात कर ली है थोड़ा और भी बहुत सारे है जो देख मतलब हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म में तो हम लोग देखे ना कैंडल स्टिक्स को तो बहुत सारा दिखता है तो इतना सारा तो समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या है नहीं है तो एक दूसरा स्टार्ट करें तो अभी मैं एक स्पेशल करना चाहता हूँ सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ही है नॉट मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिस इज अ सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पैटर्न का नाम है पेपर अम्ब्रेला ओके सबको दिखाई दे रहा है ना पेपर अम्ब्रेला ये देखिए इसका नाम क्यों अम्ब्रेला है आई होप आपको समझ में आएगा क्या सबको दिखाई दे रहा है कि इसका नाम अम्ब्रेला क्यों रखा गया हाँ ज्योति सुमन सभी को पूछ रहा हूँ अनिमेश बोलो अम्ब्रेला नाम रखने के पीछे का रीजन समझ में आ रहा है ना कि जैसे अम्ब्रेला का एक बहुत बड़ा हैंडल होगा हैमर भी बोलते हैं ना हाँ हैमर भी इसके अंदर आता है पेपर अम्ब्रेला के अंदर ही हैमर आता है ठीक है मैं आगे बताऊंगा पेपर अम्ब्रेला के अंदर ही हैमर आता है ठीक है मतलब हैमर जो है वो पेपर अम्ब्रेला का ही एक फॉर्मेशन है ठीक है तरुण बाबू देखते बच्चन तो हाँ 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 देखते अब पेपर अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए आप लोग पेपर अम्ब्रेला बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब कैंडलस्टिक्स है इज अ सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न व्हिच हेल्प्स ट्रेडर्स इन अ सेटिंग अप अ डायरेक्शनल ट्रेड्स आपको डायरेक्शन देगा जैसे एक बात आपको अगर याद होगा स्पिनिंग टॉप और दोजी आपको डायरेक्शन बता दे क्या स्पिनिंग टॉप और दोजी आपको डायरेक्शन बताता है नहीं वो आपको डायरेक्शन नहीं बताता वो आपको सिर्फ पोजीशन लेने के लिए कहता है कि भाई पोजीशन लो जैसे बैट्समैन स्टांस लेते हैं ना कि भाई चार मारना है कि छक्का लगाना है कि डिफेंस करना है इट्स जस्ट अ पोजीशन लेना एग्जैक्टली फुटबॉलर भी करते हैं गोल देने के लिए नहीं बोलता वे किधर बॉल डालना है उधर नहीं बोलता वो बोलते हैं पोजीशन लो ठीक है फुटबॉल में भी थोड़ा होता है पोजीशन मैं थोड़ा फुटबॉल कम जानता हूँ बट इतना समझता हूँ कि पोजीशन दोनों में लेना होता है चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल ठीक है तो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट भी आपको वही बोलता है कि पोजीशन लेने के लिए स्पिनिंग टॉप एंड दोजी बट जब डायरेक्शन लेना है तो उसके लिए वन ऑफ द पेपर अम्ब्रेला और भी है अब पेपर अम्ब्रेला में इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेपर अम्ब्रेला चेंजेस बेस्ड ऑन वेयर इट अपीयर्स ऑन द चार्ट अब ये डिपेंड करता है कि ये चार्ट में कहाँ फॉर्म होता है अब पेपर अम्ब्रेला तो देख तो लिए ठीक है बुलिश भी होता है बियरिश भी होता है लेकिन अब इसको देखना है कि कहाँ पर चार्ट में ये फॉर्म हो रहा है ठीक है पेपर अम्ब्रेला कंसिस्ट ऑफ टू ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नेमली द हैंगिंग मैन एंड द हैमर दो तरह का होता है एक होता है हैंगिंग मैन दूसरा होता है हैमर मतलब आपको ये हमेशा याद रखना है पेपर अम्ब्रेला तुम कितने तरह का पेपर अम्ब्रेला बोलेगा कि मैं तो दो तरह का ठीक है एक मैं हैंगिंग मैन के नाम से भी जानता जाना जाता हूँ और एक मैं हैमर के नाम से भी जाना जाता हूँ ठीक है तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कि हैंगिंग मैन का कैरेक्टर क्या होता है और हैमर का कैरेक्टर क्या होता है ठीक है हैंगिंग मैन पैटर्न इज अ बेरिश एंड द हैमर पैटर्न इज रिलेटिवली बुलिश ठीक है हैंगिंग मैन बेरिश पैटर्न फॉर्म करता है और हैमर बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है द हैंगिंग मैन पैटर्न इज बेरिश एंड हैमर पैटर्न बुलिश पेपर अम्ब्रेला इज कैरेक्टरिस्टिक बाई ए लॉन्ग लोअर शेडो विथ ए स्मॉल अपर बॉडी इसका अपर बॉडी देखिए
छोटा सा बॉडी है लेकिन एक लंबा सा सुता नीचे, इसका मतलब जो शैडो है नीचे बहुत लंबा एक शैडो बना के रखा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक कैलकुलेशन है इसके पीछे, इसके पीछे एक बहुत ही प्योर कैलकुलेशन है। चलिए देखते हैं। इफ द पेपर अम्ब्रेला अपीयर्स एट द बॉटम एंड ऑफ द डाउनवर्ड रैली, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता चला कि मतलब जब हैमर फॉर्म होगा वो थोड़ा बुलिश ट्रेंड लेता है और जब हैंगिंग मैन फॉर्म होगा वो थोड़ा बेरिश ट्रेंड में आता है। तो पेपर अम्ब्रेला अपीयर्स एट द बॉटम एंड ऑफ ए डाउनवर्ड रैली, इट इज कॉल्ड हैमर। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हर चीज में, जैसे कि हर एक मतलब चार्ट हम लोग देख रहे हैं ना, तो चार्ट में मैं आपको अभी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले इसका कैरेक्टर और कैलकुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। इफ द पेपर अम्ब्रेला अपीयर्स इन द टॉप एंड एंड अपट्रेंड रैली, तब इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। डाउनवर्ड रैली में होगा तो हैमर, अपट्रेंड रैली में होगा तो हैंगिंग मैन, डाउनवर्ड में होगा तो हैमर, प्लीज बार बार बोल रहा हूं, अपट्रेंड में होगा तो हैंगिंग मैन। ये बात थोड़ा सा अपने जहन में रख लीजिए। टू क्वालिफाई ए कैंडल एज ए पेपर अम्ब्रेला द लेंथ ऑफ द लोअर शेडो शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ रियल बॉडी, दिस इज कॉल्ड द शेडो टू रियल बॉडी रेशियो। ये कॉन्सेप्ट आप लोग मार्केट में बहुत सुनोगे, शेडो टू रियल बॉडी रेशियो। अब ये शेडो टू रियल बॉडी रेशियो है क्या? से फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई स्टॉक ओपन हो रहा है 100 में, हाई जा रहा है 103 में, बट लो हुआ 94 में उस पर्टिकुलर डे में या उस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। चाहे आप लोगों को पता होगा ना कि कितना तरह का टाइम का कैंडल हो सकता है। आप एक मिनट का भी कैंडल फॉर्म कर सकते हो, आप 15 मिनट का भी कैंडल फॉर्म कर सकते हो, आप वन डे का भी कैंडल फॉर्म कर सकते हो, आप वन मंथ का भी कैंडल फॉर्म कर सकते हो, है ना। देयर आर वेरियस पैटर्न, मतलब वेरियस टाइम पीरियड का कैंडल फॉर्म होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रेडर हो, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं जस्ट investing.com में ही देखूँ, एक मिनट से लेके एक मंथ का डेटा है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक मिनट के कैंडल से लेके वन मंथ तक का कैंडल बन सकता है, ठीक है। अब ये भी मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन प्रीवियस क्लासेस में बता के रखा कि एक मंथ में कितना कैंडल फॉर्म होगा, एक मिनट में कितना होगा, पांच मिनट में कितना होगा, पंद्रह मिनट में कितना होगा, ये सब तो मैंने पहले ही आप लोगों को कैलकुलेट करके रखा, ठीक है। अब क्या है कि ओपन इक्वल्स टू 100 है, हाई इक्वल्स टू 103 है, लो इक्वल्स टू 94 है, क्लोज इक्वल्स टू 102 है। अब बात क्या है, अच्छा 100 में ओपन हुआ अनिमेश और क्लोज हुआ 102 में, तो कैंडल बुलिश होगा कि बेरिश होगा? मतलब ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल, और ब्लू और ग्रीन होगा कि रेड होगा? हेलो अनिमेश, आवाज आ रहा है मेरा? सुमन, सुबह 100 में ओपन और 102 में क्लोज, तो ऑब्वियसली बुलिश कैंडल होगा, बुलिश होगा, है ना, सिंपल बात है, ठीक है। 100 में ओपन हुआ और 102 में क्लोज होगा तो कैंडल तो बुलिश ही होगा, इसमें तो कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्या है, हियर द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी, बॉडी का रियल लेंथ जो है, क्लोज माइनस ओपन कीजिए, प्लीज थोड़ा मैथ्स को देखिए, क्लोज माइनस ओपन कीजिए, तो 102 से 100 को माइनस कीजिए, कितना होता है 2, एंड लेंथ ऑफ द लोअर शेडो दैट इज ओपन माइनस लो, मतलब 100 से आप लोअर को क्लोज कीजिए, मतलब माइनस कीजिए, तो 94, तो ये 2 हुआ तो ये 6 हुआ, as the length of the lower shadow is more than twice of the length of the real body, मतलब दो का twice कितना है, 2 into 2 = 4, लेकिन ये कितना हो रहा है 6, मतलब दो गुना से भी ज्यादा आपका lower shadow होना चाहिए। क्या आपको math समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, आपका close से आप open को minus कीजिए तो कितना होता है 2 होगा, that is 102 से 100 less करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर आप अपना ओपन से लो को माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब ये 2 और 6 में डिफरेंस कितने का है, ये 2 गुना ज्यादा से भी ज्यादा है, मतलब 2 से 6 का डिफरेंस 2 गुना से भी ज्यादा है, मतलब मोर देन ट्वाइस, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लोअर शेडो इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी, तब हम लोग बोल सकते हैं कि पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हुआ है। अगर कैलकुलेशन क्लियर हुआ तो मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। हेलो, हाँ क्लियर है? मतलब बेसिकली सुमन, अनिमेश, रोशनी, बोलो क्लियर है कि? हाँ बोलो, और एक बार बोले, जो भी अमाउंट है उसका ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए,
एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर ये जो बॉडी फॉर्मेशन हुआ है, मैं आपको तभी से वही बता रहा हूँ कि सपोज 100 में ओपन हुआ है और 102 में क्लोज हुआ है, तो ये जो बॉडी है इसी के कारण है ना सर। मतलब बॉडी जो स्मॉल होगा या लंबा होगा, जैसे अगर 100 में ओपन होके अगर 110 में क्लोज होता, 100 में ओपन होके अगर 110 में क्लोज होता, तो क्या बॉडी इतना छोटा होता सर? तब तो बॉडी इतना बड़ा हो जाता। हेलो, ये बॉडी का बड़ा होना छोटा होना डिपेंड किस पे करता है? बॉडी का बड़ा छोटा डिपेंड करता है ओपन और क्लोज का डिफरेंस। तो हमारे पेपर अम्ब्रेले का कैरेक्टर क्या है, हमें कैरेक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। पेपर अम्ब्रेले का कैरेक्टर क्या है, जैसे हर इंसान का अपना अपना कैरेक्टर होता है, मेरा अपना है, आपका अपना है, ठीक है, सबका अपना अपना कैरेक्टर है। पेपर अम्ब्रेले का कैरेक्टर है कि ये 100 मतलब इसका बॉडी जो है लोअर मतलब स्मॉल होगा, 100 में ओपन हुआ तो 102 में क्लोज हो गया, तो इसके कारण ये ऐसा दिख रहा है। अब इसका डिफरेंस कितना है, 102 से अगर आप 100 को लेस करेंगे तो इसका डिफरेंस 2 का है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका मेजरमेंट एरिया 2 है, ठीक है। लेकिन इसका लोअर शैडो इतना लंबा क्यों हुआ है, इसका लोअर शैडो इसलिए इतना लंबा हुआ है बिकॉज इसका ओपन था 100 में पर इसका लो हुआ है 94 में, तो कितने का डिफरेंस हुआ ज्योति? 6 का। 6 का, तो इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है हम बोल सकते हैं कि इससे 3 गुना ज्यादा है, 2 गुना से ज्यादा है, मतलब 2x से ज्यादा है। ये इसका 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 लेंथ 6 बता रहा है और इसका लेंथ 2 बता रहा है, तो मतलब 2x से ज्यादा है कि नहीं है? है। तभी जाके आप सोच लीजिएगा, अगर 2 गुना से भी ज्यादा है, मतलब 2x से भी ज्यादा है, किससे? बॉडी का लेंथ से। बॉडी के लेंथ से अगर शैडो का लेंथ, लोअर शैडो स्पेशली, ठीक है, लोअर शैडो का लेंथ, एक होता है अपर शैडो भी होता है, लेकिन यहां पर आपका कॉन्सेप्ट लोअर शैडो है। बॉडी के लेंथ से लोअर शैडो अगर 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा होगा तो पेपर अम्ब्रेला है। बोलो, क्लियर है बात? ज्योति, क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। ओके, सुबह बोझा कैसे? তরুণ বাবু বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝে এগুলো যখন 5 মিনিটের আমি কালকে একটা দেখছিলাম, আমি আদানি টোটাল গ্যাস নিয়ে কালকে ওই আপনার যেগুলো ক্লাস করিয়েছেন ওইটা একটু করছিলাম, মার্কেট চলাকালীন 5 মিনিটের একটা চার্ট খুলেছিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি চোখে দেখেই, ওই যেমন যারা ব্যাটিং করে বলে খুব বেশি হলে আমরা 10 সেকেন্ড টাইম পাই, जो लोग ट्रेडर होता है ना वो लोग बैट्समैन की तरह ही खेलता है, कभी रन आउट होता है, कभी कैच दे देता है, कभी प्रॉफिट भी करता है, मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली क्रिकेट के साथ आप बहुत मैच कर पाओगे इसका, मतलब डेली जो लोग ट्रेडिंग करता है वो लोग मार्केट में इसी तरह से बैठा रहता है, मतलब एक एक कैंडल का मतलब है एक एक बॉल जिसको देखना है और उसके रिगार्डिंग खेलना है। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक एक कैंडल जरा इंट्राडे करते तादेर जन्य इम्पोर्टेंट, जरा पोजिशनल ट्रेड निच्छे जो लोग पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए भी वाइटल है, बिकॉज पोजिशनल ट्रेड के टाइम पे भी आपको देखना चाहिए कि कैंडल किधर जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मानिए कि कोई बात नहीं, जो लोग 15 मिनट का ट्रेड ले रहे हैं या फिर वन डे का ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए भी आप 9:15 में ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है, और आप 3:15 में ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, कर सकते हैं ना, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। इवन आप 1 वीक के लिए भी तो ट्रेड ले सकते हो, तो वो भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में ही चलता है। तो सभी के लिए वाइटल पॉइंट है, लेकिन आपको कैंडल का जानकारी होना चाहिए, आप कैंडल देख के ट्रेंड को पहचान सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हैमर से, ठीक है। हैमर फॉर्मेशन, अब पेपर अम्ब्रेला में फॉर्म होने जा रहा है हैमर। अब ये हैमर एग्जैक्टली हैमर क्यों नाम है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखने में पेपर अम्ब्रेला है, बट मतलब पेपर अम्ब्रेला जब अप ट्रेंड में फॉर्म होता है तब उसको बोलते हैं, मतलब बुलिश बियरिश ट्रेंड में फॉर्म होगा, अप ट्रेंड बट बियरिश, तब उसको बोल देते हैं हैंगिंग मैन, और जब बिलो ट्रेंड में फॉर्म होगा तब उसको बोल देंगे हैमर, बुलिश हैमर।
is a significant candlesticks pattern that occur at the bottom of the trend. Trend के bottom में form होगा. Just look here. मैं थोड़ा zoom करता हूँ. आप कोशिश कीजिए थोड़ा देखने का. देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को. देखिए ऐसे एक छोटा सा body है, ठीक है, और उसके नीचे लंबा सा उसका shadow. छोटा सा body, उसके नीचे लंबा सा शेडो, एक छोटा सा ऊपर भी है, बट वो भी मैं बोला ना क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, हल्का फुल्का चलता है, ठीक है, लेकिन मेन पैटर्न वही होना चाहिए दोनों केस में. आप देखिए इस ये आपका मोस्ट प्रोबेबली एसीसी का ही दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इमेज हट गया है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो बार फॉर्म हुआ है एक पर्टिकुलर सेशन में, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और दोनों केस में ये बुलिश ट्रेंड दिया है, दोनों केस में बुलिश ट्रेंड दिया है. और ये हैमर फॉर्म ही होता है बुलिश ट्रेंड के लिए, हैमर फॉर्म ही होता है बुलिश ट्रेंड के लिए, मतलब फॉर योर बाइंग डिसीजन, फॉर योर बाइंग डिसीजन. ओके चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसका कैरेक्टर को थोड़ा देख लीजिए. चलिए पहले थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं. बुलिश हैमर इज अ सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट ऑकर्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड. हैमर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल रियल बॉडी एट द अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज विद अ लॉन्ग लोअर शेडो. द लॉन्गर द लोअर शेडो द मोर बुलिश द पैटर्न. लोअर शेडो जितना लंबा होगा पैटर्न उतना बुलिश होगा. लोअर शेडो जितना लंबा होगा पैटर्न उतना बुलिश होगा, मतलब जितना नीचे आप स्टॉक को प्राइस को नीचे लाओगे किसी पर्टिकुलर डे में, नेक्स्ट सेशन में वो उतना ही ज्यादा उठने का कोशिश करेगा. द चार्ट बिलो शोज द प्रेजेंस ऑफ हैमर्स फॉर्म्ड इन द बॉटम डाउन ऑफ द ट्रेंड. मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ. नोटिस ब्लू हैमर has a very teeny upper shadow. ये देखिए यहाँ पर देखिए बहुत छोटा एक अपर शेडो है. सुमन दिखाई दे रहा है आपको? देखो तो ये जो ब्लू कैंडल है इसमें हल्का सा एक अपर शेडो है ना. हाँ एक हल्का सा अपर शेडो है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करूंगा तो फिर भी आपको दिखेगा. क्या सबको दिखाई दे रहा है? सुबह देखते है दादा ब्लू कैंडल एकटा हल्का टीनी अपर शेडो आछे, है ना ज्योति? आपको दिखाई दिया? हाँ सर. ओके अब ये टीनी अपर शेडो रहने में क्या वो हैमर नहीं हो जाएगा? नहीं सर, तब भी हैमर रह सकता है, विच इज एक्सेप्टेबल कंसिस्टिंग द रूल दैट इज सेकंड रूल बी फ्लेक्सिबल क्वांटिफाई एंड वेरीफाई. ये रूल है कैंडल मतलब बेसिकली टेक्निकल एनालिस्ट का रूल है. आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत क्वांटिफाई एंड वेरीफाई करके ही चलना, ठीक है. एग्जैक्ट कॉपी बुक हमेशा नहीं मिलेगा आपको. हैमर कैन बी ऑफ एनी कलर एज इट डज नॉट रियली मैटर एज लॉन्ग एज. अनिमेश का आवाज मुझे बहुत देर से नहीं मिल रहा है. अनिमेश कलर एकदम मैटर नहीं करता. हैमर कैन बी ऑफ एनी कलर एज इट डज नॉट रियली मैटर एज लॉन्ग एज इट क्वालिफाइज द शेडो टू रियल बॉडी रेशियो. However, it is slightly more comforting to see a blue colored real body. Color matter नहीं करता, but फिर भी अगर आपको blue color candle दिख जाए तो आप थोड़ा ज्यादा comfortable हो सकते हो buy करने के लिए. Prior trend for the hammer should be a down trend. Trend जो है ना prior trend hammer का down trend होना चाहिए. The prior trend is highlighted with the curved line. नीचे दिखाते हैं मैं आपको. ये हमेशा down trend में ही hammer होना चाहिए. क्या क्या point important है देख लीजिए hammer के लिए. हैमर के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल पॉइंट हम आपको बोलने जा रहे हैं. मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड वेर द बियर्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल. जिस पॉइंट में बियर का कंट्रोल ज्यादा हो मार्केट के, उसी मूवमेंट में हैमर फॉर्म होने का चांसेस बढ़ता है. ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड एवरी डे जस्ट अ सेकेंड ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड एवरी डे द मार्केट वुड ओपन लोअर. जब डाउन ट्रेंड होता है ना मार्केट हर दिन लोअर में ओपन होगा कॉम्पेयर टू द प्रीवियस डेज क्लोज. लास्ट दिन जिस दाम में क्लोज हुआ था नेक्स्ट दिन उससे भी नीचे जाएगा. अगेन क्लोजर क्लोजेज लोअर टू फॉर्म ए न्यू लो. मतलब डे बाई डे न्यू लो होता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब अगर आज मार्केट 100 में ओपन हुआ था फिर क्लोज हुआ 94 में, फिर नेक्स्ट दिन मार्केट को लेके जाएगा 84 में. मतलब डे बाय डे न्यू लो फॉर्मेशन होगा. ऐसे मोमेंट में हैमर होने का चांसेस बढ़ता है. क्या आप लोग बात समझ रहे हैं? हेलो. मार्केट डे बाय डे न्यू लो फॉर्म करता है और उसी मोमेंट में हैमर आता है. हाँ बोलिए, किसी ने कुछ कहा?
हेलो, क्या आप लोगों को ये वाला बात समझ में आया कि मार्केट डे बाय डे न्यू लो फॉर्म करेगा और उसी में हैमर आने का चांसेस बढ़ता है? किसी का साउंड क्लियरली मेरे पास नहीं आ रहा है। हाँ अनिल, हाँ बोलो बोलो सुमन। समझ में आया। ओके ठीक है। ऑन द डे द हैमर पैटर्न फॉर्म, जिस दिन हैमर फॉर्म करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, द मार्केट एज एक्सपेक्टेड ट्रेड्स लोअर। ठीक है, मार्केट एज एक्सपेक्टेड ट्रेड्स लोअर। जिस दिन हैमर फॉर्म होगा उस दिन मार्केट लोअर ही होगा एंड मेक्स ए न्यू लो। उस दिन मार्केट लोअर होगा और उस दिन भी न्यू लो क्रिएट होगा। हाउएवर एट द लो पॉइंट देयर इज सम अमाउंट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट। जैसे ही मार्केट थोड़ा और लोअर होता है ना, ये तो मार्केट का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, ज्यादा लो होने पे मार्केट ना अपने आप को ना फिर से वापस लेने का कोशिश करता है। ये एक सेंटिमेंटल ट्रेंड है। ज्यादा लोअर हो जाने से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट काफी डीप हो गया, अभी इस मोमेंट में बाई करना चाहिए। क्या ऐसा होता है तरुण बाबू? जब मार्केट बहुत ज्यादा लो में जाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग होता है ना कि नहीं, बहुत ज्यादा लो में चला गया, बाई करना चाहिए। दादा है ना, अब देखना कि मंडे ट्यूसडे ये दोनों दिन मार्केट नॉर्मली थोड़ा अप ट्रेंड रहता है, मतलब थोड़ा बुलिश रहता है। फिर मंडे ट्यूसडे के बाद आपको देखिएगा वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा मतलब करेक्ट करता है। फिर फ्राइडे में थोड़ा सा साइडवेज रहते हैं, फिर मंडे आता है, फिर मार्केट अप ट्रेंड होता है। आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, सोमवार मंगलवार और बुधवार, ठीक है, अब डिपेंड करता है, स्टॉक टू स्टॉक वेरी करेगा, मैं तो ओवरऑल निफ्टी सेंसेक्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा कि लगा, हाँ बोलून, फ्राइडे गुलो तो खूब साइडवेज था, बिकॉज मार्केट वीकेंड है ना, अडा कमन बिजनेस देखते पाए ना, अडा कमन अडा कंफ्यूजन हो जाए उधर। ठीक है, मतलब मार्केट को ऐसा लगता है कि मार्केट में बिजनेस नहीं है, अब वो लोग ना थोड़ा वेट करता है, जानबूझ के मार्केट को डाउन किया जाता है। सैटरडे संडे मार्केट में न्यू न्यू न्यूज आएगा, ठीक है, किसी ना किसी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे ये सब न्यूज मार्केट में आएगा, फिर मंडे में ना एक पॉजिटिव एक न्यू एनर्जी के साथ मार्केट में ट्रेडर लोग मार्केट में एंट्री करेगा और उस एनर्जी के साथ मार्केट की अगेन बाइंग मूवमेंट क्रिएट होता है। और एग्जैक्टली आप कोशिश कीजिए थर्सडे और फ्राइडे में ही आपको ब्लू हैमर ज्यादा दिखेगा। आप कोशिश कीजिए, मतलब जब आप अपना प्रैक्टिस बढ़ाएंगे ना, थर्सडे एंड फ्राइडे को थोड़ा नजर ज्यादा दीजिएगा ब्लू बुलिश हैमर देखने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे कहाँ पर कैसे दिखते हैं, बट पहले इसका कैरेक्टर बहुत क्लियर कट हो जाना चाहिए। हाउएवर एट द लो पॉइंट देयर इज सम अमाउंट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट दैट इमर्ज व्हिच पुशेस द प्राइस हायर टू द एक्सटेंट दैट द स्टॉक क्लोजेस नियर द हाई पॉइंट ऑफ द डे। द प्राइस एक्शन ऑन द हैमर फॉर्मेशन डे इंडिकेट्स, जिस दिन हैमर फॉर्म होता है वो ये इंडिकेट करता है बुल्स अटेम्प्टेड टू ब्रेक द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। बुल कोशिश करता है कि वो फॉल करने से आपको रोके, एंड वी आर रीजनेबली मतलब वी आर रीजनेबली सक्सेसफुल, और बुल सच में सक्सेस होता है। मतलब वो हैमर डाल के मतलब हथौड़ा मार के बोलता है कि भाई गिरने नहीं देंगे मार्केट को, एंड यही एक्शन, और ये जो एक्शन है मार्केट का, ये जो एक्शन है मार्केट का, इसी एक्शन के कारण क्या होता है, द एक्शन बाय द बुल्स हैज पोटेंशियल टू चेंज द सेंटिमेंट इन द स्टॉक। ये मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक का सेंटीमेंट को चेंज कर देता है और उसमें क्या होता है, कुछ लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज ले लेता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बुलिश हैमर। मतलब जब भी मतलब आपको बुलिश हैमर दिख जाए, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ट्रेड सेटअप कैसे होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट, ट्रेड सेटअप कैसे होना चाहिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज तो आपके सामने हैं बट आपका ट्रेड सेटअप क्या होगा, बहुत वाइटल पॉइंट। देखिए हैमर फॉर्मेशन सजेस्ट ए लॉन्ग ट्रेड, सुमन, हैमर फॉर्मेशन सजेस्ट करता है लॉन्ग ट्रेड। ओके, आप थोड़ा लंबा जा सकते हो, मतलब एक दिन, मतलब डिपेंड करता है, ट्रेडर्स एंट्री टाइम डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द ट्रेडर। अब ट्रेडर किस मोमेंट में एंट्री लेगा स्टॉक में, वो तो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। इफ द ट्रेडर इज ए रिस्क टेकर, ही कैन बाय द स्टॉक ऑन द सेम डे, जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ आप उसी दिन ले लो। रिमेंबर द कलर ऑफ द रियल बॉडी इन हैमर डज नॉट मैटर, मतलब ब्लू कलर कैंडल है कि रेड कलर कैंडल है डज नॉट मैटर, हेंस देयर इज नो वायोलेशन टू द रूल नंबर वन। ठीक है, मतलब बाय वीकनेस सेल, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। इफ द ट्रेडर इज रिस्क अवर्स, ही कैन बाय द स्टॉक द डे आफ्टर द पैटर्न हैज फॉर्म, जिस दिन हैमर फॉर्म होगा नेक्स्ट दिन में
ट्रेड लो, बट ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस कम होगा, बट लॉस होने का भी चांसेस कम हो जाएगा, इंश्योरिंग दैट द डे इज ए ब्लू कैंडल डे. ठीक है, जो रिस्क एवर्स है वो कंफर्म होगा कि यस ब्लू कैंडल है तो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा. रिस्क टेकर्स कैन क्वालिफाई द डे एज ए हैमर बाय चेकिंग द फॉलोइंग कंडीशन 3:20 पे जिस पर्टिकुलर डे में हैमर फॉर्म होगा. ओपन और क्लोज शुड बी ऑलमोस्ट सेम. ओपन और क्लोज में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. हैमर जिस दिन फॉर्म होगा, ओपन और क्लोज प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हार्डली 1-2% का रेंज रहेगा. लोअर शेडो लेंथ शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ रियल बॉडी, जो मैंने आपको पहले ही बता के रखा. ये बोथ दिस कंडीशन आर मेड, मतलब 1-2% रेंज में उसका बॉडी और उसका मतलब लोअर शेडो का जो लेंथ है वो अपने बॉडी के लेंथ से 2 गुना से ज्यादा, एटलीस्ट ट्वाइस या फिर उससे ज्यादा, एटलीस्ट 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा. इफ बोथ दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द पैटर्न इज हैमर एंड द रिस्क टेकर कैन गो लॉन्ग. द रिस्क एवर्स ट्रेडर्स शुड इवेलुएट ओपन हाई लो क्लोज डेटा ऑन द सेकेंड, मतलब वो सेकेंड डे को भी देखेगा जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है. अगर सेकेंड दिन वो देखा कि ब्लू कैंडल हुआ है, द ट्रेड इज वैलिड एंड हेंस ही कैन गो लॉन्ग. मतलब जो रिस्क एवर्स होगा वो ब्लू कैंडल नेक्स्ट दिन के लिए वेट करेगा, और जैसे ही उसको कन्फर्मेशन मिलेगा कि नेक्स्ट दिन भी ब्लू है, तब वो ट्रेड सेटअप ले सकता है, लंबा जा सकता है, मतलब 1-2 दिन के लिए जा सकता है, या फिर मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितना मिनट के लिए ट्रेड सेटअप लेना चाहते हो, बट थोड़ा लेंदी बाय हो सकता है. ठीक है, द लो ऑफ द हैमर, मैं आता हूँ क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों से. द लो ऑफ द हैमर एक्ट एज द स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड. अब यहाँ पर एक पॉइंट है, स्टॉप लॉस क्या लोगे, स्टॉप लॉस क्या देना चाहिए आपको, स्टॉप लॉस जो उस हैमर का लोअर पॉइंट है. लो ऑफ द हैमर दैट इज शेडो का जो सबसे लोअर लोएस्ट पॉइंट था ना, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट इज लॉजिकल स्टॉप लॉस. ठीक है, मतलब इतना स्टॉप लॉस, मतलब इतना लॉस खाने के लिए तो रेडी रहो. ठीक है, ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा होगा, बट इतना लॉस खाने के लिए रेडी रहो, दैट इज ए लॉजिकल स्टॉप लॉस. ठीक है, अगर आप बहुत कम स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो मार्केट में जब डाउन मूवमेंट चलता है ना, वो ब्रेक करके निकल जाएगा. इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा लॉजिकल स्टेबल में लगाना जरूरी है. मतलब आपका हैमर का जो लोअर पॉइंट है, दैट इज शेडो का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट, that should be your stop loss. ठीक है, चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ ना, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने से तब मजा आएगा, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सिर्फ रूल याद करके कुछ फायदा नहीं है. द चार्ट बिलो शोज द फॉर्मेशन ऑफ द हैमर पर बोथ रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स दोनों ने प्रॉफिट किया. 15 मिनट का इंट्राडे है सिप्ला का, चलिए देखते हैं, ये देखते हैं, फिर अगर आपका कुछ सवाल हो आप मुझे पूछिएगा. बोलिए, दिखाई दे रहा है क्या चार्ट, दिख रहा है कैंडल, प्लीज थोड़ा कंफर्म कीजिए. हेलो, यस, हाँ हाँ देख रही, समझ में आ रहा है. दिस इज हैमर, बुलिश हैमर, देखिए डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा, पहला कैरेक्टर एकदम प्रॉपर कैरेक्टर फुलफिल किया, डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन का कलर इसका ब्लू हुआ है. तो ये दिस पर्टिकुलर डे जो रिस्क टेकर होगा वो इसी दिन में ट्रेड सेटअप लेगा, जो रिस्क टेकर होगा वो सेम डे पे रिस्क लेगा. ठीक है, इवन उसके सेकंड वाला भी हैमर ही हुआ है सर, सेकंड वाला भी हैमर ही है, छोटा सा है बट वो भी हैमर है. थर्ड में भी हैमर आया, वो भी छोटा है. ठीक है, अब उसमें बात नहीं करते, लेकिन पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली बुलिश हैमर फॉर्म हुआ और जिसने भी ट्रेड सेटअप लिया उसने प्रॉफिट किया. अब जो रिस्क टेकर है वो फर्स्ट दिन लेगा, दैट इज द फर्स्ट डे जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है, और जो रिस्क एवर्स होगा वो सेकेंड दिन रिस्क लेगा. सेकेंड दिन अगर वो सेकेंड दिन ये कंफर्मेशन करता है कि यस मार्केट इज ब्लू कैंडल, मार्केट अगर ब्लू कैंडल सेकेंड दिन भी है तब जाके वो अपना ट्रेड सेटअप लेता है हैमर में. तो हैमर आपको डिरेक्शन दे देता है, हैमर आपको डिरेक्शन देता है, बुलिश होगा बेयरिश होगा. बेयरिश तो हैमर नहीं देगा, हैमर बुलिश ही देगा. बेयरिश के लिए वो हैंगिंग मैन है, मैं आपको आगे बताऊंगा हैंगिंग मैन. करेंट फोकस आप हैमर पे रखिए, करेंट फोकस हैमर पे रखिए, एट ए टाइम पे एक चीज पे फोकस कीजिए, फिर बाद में प्रैक्टिस करते करते सारा का सारा चीज एट ए टाइम में फोकस कर सकते हैं. ठीक है, करेंट फोकस एरिया एक चीज में एक बार ही कीजिए, फिर बाद में जब सारा का सारा हो जाएगा ना, फिर आप देखिएगा आप एट ए टाइम में प्रैक्टिस करते करते ऑल टाइप ऑफ शॉट खेलना सीख गए. जब क्रिकेट खेलते थे ना, मुझे याद है कि
कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना डिफेंस करना सिखाता था, ऐसा लगता था कि डिफेंस करना बहुत टफ है, फिर स्ट्रेट ड्राइव मारना सिखाता था, फिर कवर ड्राइव, उसके बाद बोलता था कि अब तुम पुल पुल खेल सकते हो, हुक मार सकते हो, स्वीप खेल सकते हो। सुबह सुबह यहाँ पर है, सुबह इंडिया अंडर 17 खेला है, क्या सुबह मैंने गलत बोला? ना दादा सही बोला ना, पहले डिफेंस फिर स्ट्रेट ड्राइव, फिर कवर ड्राइव, सब ऐसा ही चलता है, मतलब ऐसे। उसके बाद एक टाइम आता है कि तुम हर तरह का शॉट खुद ही खेलना चालू कर देते हो, है ना? जैसे वन ऑफ द रिस्की शॉट मुझे याद है क्रिकेट में, ग्लांस करना, है ना सुबह? ग्लांस इज वेरी रिस्की, अगर थोड़ा सा मिस हो जाए तो LBW, वेरी रिस्की, बट ग्लांस से बहुत अच्छा शॉट होता है, मतलब जस्ट टच करना पड़ता है, रिस्क बहुत कम है, बट रिस्क ये है कि तुम आउट भी हो सकते हो। तो मैं ना स्टार्टिंग में, मुझे याद है मेरा क्रिकेटिंग, मैं भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेला था, तो उस टाइम पे मैं ग्लांस बड़ा करता था तो LB भी हो जाता था, तो कोच ना बहुत गुस्सा हो जाता था, हाँ बेसिक ठीक नहीं है, ग्लांस करने आ जाता है। तो मुझे एक्चुअली याद आ गया आपको बताते बताते, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हैमर को कैसे यूज करना है। हेलो ज्योति, बोलो। हाँ। ज्योति हाँ बोलो, बुझा गया बेपट्टा। দুটো রুল শেখায়, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে, তিনটে রুল শেখায়, একটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং, বাই স্ট্রেংথ সেল উইকনেস, বি ফ্লেক্সিবল উইথ প্যাটার্নস, মেইন প্যাটার্ন কে সাথে অগর থোড়া বহুত চেঞ্জেস ইটস ওকে, ইটস অ্যাকসেপ্টেবল, মতলব অলওয়েজ কপি বুক হোগা ऐसा जरूरी नहीं है। ओके समझ में आ रहा है ना सबको? अनिमेश बोलो। हाँ बोलो बोलो। ছোট শ্যাডোর পার্টিকুলার মিনিং বলতে মানে যখন আমি বোঝাচ্ছি ওটা ছোট শ্যাডোটা কখন হয় বলছি আমি, দ্য ট্রেড সেটআপ উড বি অ্যাজ ফলোস। ইস পার্টিকুলার স্টক মে আপ দেখিয়ে থোড়া সা, হ্যাঁ ইয়ে যো পার্টিকুলার সিপলা কা স্টক হ্যায় ইসকা ইসকা যো ট্রেন্ড ফর্মেশন হুয়া থা, मार्केट प्राइस इस टाइम पे 451 चल रहा था, ठीक है, अब इसमें ठीक है करंट मार्केट प्राइस डजंट मैटर, से फॉर एग्जांपल ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, जब आप लोग हम लोग हैमर देख सकते हैं, अब हैमर जब फॉर्म हो रहा है तो क्या चेंजेस है हैमर पे, बाई प्राइस फॉर ए रिस्क टेकर, बाई प्राइस फॉर ए रिस्क टेकर ही टेक्स द ट्रेड ऑन द हैमर कैंडल इटसेल्फ एट रुपीज 444, ओके, बाई प्राइस फॉर ए रिस्क आवर्स ही टेक्स द ट्रेड दैट इज नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे इज 444.55.4, ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मतलब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका सबसे लोएस्ट, दैट इज 441, ठीक है, इसका मतलब ये जो अपर शैडो हुआ था, ये अपर शैडो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, रीजन यही होता है कि ओपन और क्लोज में अगर थोड़ा सा ज्यादा फर्क हो गया, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर हाई प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो एक छोटा सा शैडो हो सकता है, थोड़ा सा चेंजेस अगर हो गया, बट अगर आप नॉर्मली देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया तो इन दैट केस ये इसको हम हैमर बोल ही नहीं सकते, ठीक है, मेनली हैमर है, हल्का सा शैडो फॉर्म हुआ मतलब हाई प्राइस थोड़ा सा ज्यादा गया था, इसके लिए इसके बॉडी से थोड़ा सा हल्का शैडो निकल गया, और लोअर शैडो के कारण तो हम लोग जानते हैं कि लोअर प्राइस बहुत ज्यादा लोअर हुआ, और जो उसका लोअर प्राइस, जैसे हम लोगों का स्टार्टिंग एग्जांपल 94 हमारा क्या था, 94 हमारा लोअर था, 100 हमारा ओपन था, याद है ना, 102 हमारा क्लोज था और 103 हमारा हाई था, तो ये 103 के कारण एक थोड़ा सा ऊपर में शैडो आ सकता है कि नहीं आ सकता, बोलूं तरुण बाबू? বুঝতে পারলেন, মানে যদি আমার একটু ছোট হালকা একটুখানি হাই প্রাইসটা বেশি হয়, ঠিক আছে, তাহলে আমার একটা ছোট্ট শ্যাডো আসতে পারে, খুবই সামান্য, ঠিক আছে, কিন্তু অনেক বেশি হবে না, বহুত জাদা নেই হোগা, আর স্টপ লস কা এক সিস্টেম ইয়াদ রাখিয়েগা কি জো মেরা ক্যান্ডেল কা লোয়ার পয়েন্ট হোগা শ্যাডো কা, দ্যাট শুড বি মাই স্টপ লস, ঠিক আছে, জেসে ইয়াহাঁ পর ইস পার্টিকুলার সিপলা কে কেস মে 441 উসকা শ্যাডো কা সবসে লোয়েস্ট পয়েন্ট থা, এন্ড দ্যাট ইজ দি রিজন কি উসমে স্টপ লস লগানা চাহিয়ে। तो जो रिस्क टेकर होगा वो बाई कितने में करेगा, 444 में, दैट इज जिस दिन हैमर फॉर्म हुआ है,
जो रिस्क एवर्स होगा वो सेकेंड डे करेगा, सेकेंड सेशन में 445.4 में सेकेंड सेशन में करेगा, मतलब कंफर्मेशन के बाद। और जो स्टॉप लॉस लगेगा वो उस पर्टिकुलर हैमर का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था, दैट इज 441.5 में आके, विच इज द लो ऑफ द हैमर फॉर्मेशन। डू नोटिस हाउ द ट्रेड हैज इवॉल्व्ड, यील्डिंग एंड डिजायरेबल इंट्राडे प्रॉफिट। अब इसमें इंट्राडे प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ठीक है। हियर इज अनदर चार्ट वेयर द रिस्क एवर्स ट्रेडर, मतलब बेसिकली मैं इसमें प्रॉफिट का बात इसलिए किया, अब देखिए ये पर्टिकुलर में जिसने भी 444 में अपना ट्रेड लिया है, अगला सेशन में वो प्रॉफिट बुक किया है, अगर यहाँ तक भी गया हो तो भी उसके बाद भी एक फॉर्मेशन हुआ है, बट दिस इज, ये जो हुआ है ना, दिस इज नॉट द हैमर, ये अप ट्रेंड में हुआ है, ये हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन फॉर्म हो गया बीच में, मैं बाद में बताऊंगा आपको हैंगिंग मैन, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो कन्फर्म है, बट यहाँ पर आप लॉन्ग खेल सकते हो, यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हो, मतलब इसके बाद जो ट्रेंड एवरेज ट्रेंड है वो आप ट्रेंड ही है। इवन हैमर बता भी रहा है आपको कि इट्स अ गुड फॉर लॉन्ग बाय, लॉन्ग बाय के लिए गुड है, ठीक है। मतलब अगर आप से फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट्स में सोच रहे थे, आप वन डे तक भी जा सकते हो, इंट्राडे प्रॉफिट भी आप अच्छा बुक कर सकते हो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसीलिए किसी एक दिन में जो लोग ट्रेडिंग करता है ना, हैंगिंग हैमर फॉर्म होने के बाद वो लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता है, अच्छा हैमर फॉर्म हुआ है, थोड़ा थोड़ा लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा जरूरत से ज्यादा लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, कभी उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, ये एबीबी बोल के एक इलेक्ट्रिकल्स कुछ कंपनी है, ठीक है, एबीबी, इसका भी आप शेयर सर्च कीजिए आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने अभी इसके बारे में कभी फंडामेंटल रिसर्च नहीं किया, लेकिन इसका टेक्निकल चार्ट में मुझे ये मिला, देखिए आप, दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज हैमर, क्यों, बिकॉज ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, ट्रेंड देखिएगा इसका प्रायर ट्रेंड है, ये भी टेक्निकल एनालिसिस का रूल है, दिस इज ऑल्सो रूल ऑफ टेक्निकल पैटर्न, लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ आप लोगों को, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न, लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड। तो प्रायर मतलब हैमर फॉर्म होने का प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, हैमर फॉर्म होने का प्रायर ट्रेंड होना चाहिए कि वो बुलिश हो, सॉरी बियरिश हो, बियरिश के ठीक डाउन ट्रेंड में होगा, तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में ये फॉर्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए था एज पर द रूल, इसके बाद क्या होना चाहिए था बोलिए ना, ये हैमर तो फॉर्म हो गया, बुलिश होना चाहिए था, इसके बाद बुलिश होना चाहिए था, इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है, ऊपर से अनदर एक लंबा बेयरिशनेस दे दिया, मतलब यहां पर जो रिस्क एवर्स है वो जीत गया ना। हेलो, जो रिस्क एवर्स है वो जीत गया, उसका डिसीजन सही रहा, जो रिस्क टेकर है वो फंस जाएगा इसमें, रिस्क टेकर के लिए प्रॉब्लम है यहां पर, बट रिस्क एवर्स के लिए बहुत ही अच्छा बात है कि वो नेक्स्ट दिन सोच रहा था कि अगर नेक्स्ट दिन बुले मतलब ये कैंडल ब्लू हो, इसीलिए ब्लू कैंडल का इंतजार करने में सुविधा क्या होता है कि आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि चलो मार्केट में सेंटिमेंट बुलिश है, मार्केट में सेंटिमेंट बुलिश है, और मार्केट ये सब ट्रेडिंग जो है ना वो सेंटिमेंट में चलता है, सेंटिमेंट बुलिश है, और उसी सेंटिमेंट में मार्केट में अप ट्रेंड हो सकता था, लेकिन इसमें तो हुआ नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें उल्टा रिस्क एवर्स को अच्छा रह गया, रिस्क एवर्स के लिए तो बेनिफिटेड बट रिस्क टेकर के लिए प्रॉब्लम है। और एक चार्ट देखते हैं, देखिए दो दो बार हुआ है, ये बायोकॉन का है, बायोकॉन का शेयर है, ठीक है, बायोकॉन का टेक्निकल चार्ट देखिए, दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये बुलिश हुआ है ना, मतलब डाउन ट्रेंड में हुआ है, ट्रेंड देखिए, फर्स्ट सेटअप है आपका ट्रेंड, ओके, जस्ट लुक एट द ट्रेंड। अब देखिए अगर आप स्मॉल टाइम का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप थोड़ा लंबा टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए अलग, ठीक है। देखिए ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक ट्रेंड है, बट दिस इज अ शॉर्ट ट्रेंड, और जो लंबा ट्रेंड में खेलता है दिस इज अ लंबा ट्रेंड, तो शॉर्ट ट्रेंड में यहां पर फॉर्मेशन हुआ है, यू कैन सी इट हियर, दिखाई दे रहा है ये ब्लू वाला हैमर, हेलो हाँ। और यहां पर भी देखिए, ये थोड़ा लंबा ट्रेंड में देखिए आप, ये भी हैमर, लेकिन ये ब्लू रेड में हुआ है,
बट इसके बाद आप देखिए मार्केट, इसके बाद देखिए मार्केट अप हुआ है दो बार, है ना, उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड हुआ है, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जो भी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा यहाँ पर एक शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर मार्केट प्रॉपरली उसके बाद नहीं हुआ, इसके लिए मार्केट डाउन ट्रेंड ही रह गया है। दिखाई दिया सबको? हेलो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, हैमर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि जब जब हैमर फॉर्मेशन होगा उसके बाद अगर आप रिस्क टेकर हो तो ठीक है, अगर आप रिस्क एवर्स हो तो इन दैट केस कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको बचा भी सकता है। तो अल्टीमेटली बोथ हैमर्स क्वालिफाइड ऑन द प्री कंडीशन ऑफ ए हैमर, दैट इज प्रायर टेंड टू बी अ डाउन ट्रेंड, शैडो टू रियल बॉडी रेशियो, याद रखिएगा शैडो टू रियल बॉडी रेशियो, ठीक है। अगर आपको मैं रिसेंट ट्रेंड में यहाँ पर देखूँ, देखिए ये अदानी पोर्ट का है, अदानी पोर्ट का 15 मिनट का डेटा है, देखिए तो थोड़ा हेल्प करना सुबह मुझे। ये है एक दिस वन स्टार्टिंग में मिल गया मुझे, हैमर है कि नहीं है ये सुबह? एकदम हैमर, बिकॉज ट्रेंड क्या है, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड में ही हथौड़ा मारेगा, बट यहाँ पर डाउन ट्रेंड बहुत जोर का डाउन ट्रेंड नहीं था, बट फिर भी हथौड़ा मारा, और देखो हथौड़ा मार के उसके बाद कुछ देर बाद मार्केट अप ट्रेंड दिया है, ठीक है। और भी मिलेगा, और भी भूले जाते कैंडल गुलो बनाए काड़ा, कैंडल गुलो एक्चुअली एगुलो तैरी हुए जापान थे, ठीक है। ना ना ना, মানে খড়কখন এগুলো তৈরি করতে পারা সফটওয়্যার ডিজাইনার আছে যারা আপনার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সফটওয়্যার ডেভেলপিং এর কাজ করছে, ঠিক আছে, গ্রাফিক্যাল চার্ট বানাচ্ছে তারা, মানে অ্যাকচুয়ালি যারা ব্রোকিং কোম্পানিজ আছে, যেমন ধরুন এটা একটা investing.com, এটা একটা অনলাইন একটা মানে কোম্পানি যারা মার্কেটকে সাজেস্ট করে, ঠিক আছে, এদের এদেরও একটা আলাদা ব্রোকিং সংস্থা আছে, যেমন জিরোধা আছে, ঠিক আছে, বা আপনি যে কোম্পানিতে ICICI ডিরেক্ট বলুন বা মতিলাল ওসওয়াল বলুন, প্রত্যেকেরই টেকনিক্যাল চার্টের সিস্টেম আছে। এরকম মার্কেটে আবার অনেক প্রাইভেট কোম্পানি শুধুই টেকনিক্যাল চার্ট বানিয়ে বিক্রি করে, ঠিক আছে। এবারে এদের, হ্যাঁ বলুন, কোম্পানির টেকনিক্যাল চার্ট তো ডিফার করতে পারে না, ডিফার করবে না তো, কারণ মার্কেটে টেকনিক্যাল চার্টের কনসেপ্ট সবার সেম, কিচ্ছু ডিফার করার কথা না, টেকনিক্যাল চার্টের কনসেপ্ট সবার জন্য সেম হবে, এটা কারোর জন্য আলাদা হতে পারে না। মানে যে কোম্পানি তৈরি করুক না কেন, আলটিমেটলি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সেই পাই চার্ট বানাই না, এটাকে আমরা বলি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এক্সেলে, মাইক্রোসফট এমএস ওয়ার্ড বা এক্সেলে আমরা কি করি, ওয়ার্ড আর এক্সেলে আমরা ডেটা অ্যানালিসিস করি, যা ডেটা পুট করলাম সেটাকে আমরা, মতো সরি জ্যোতি হ্যাঁ আমি বেঙ্গলি মে বাত করুঙ্গা না তো জ্যোতি কো কুছ সমঝ নেই আয়েগা, বিকজ জ্যোতি ইজ ফ্রম মণিপুর আর জ্যোতি কো হিন্দি সমঝ আতা হ্যায়, লেকিন জ্যোতি কো বেঙ্গলি একদম সমঝ মে নেই আতা। জ্যোতি আপ হো না? यस सर, यस सर, जब मैं ज़्यादा बंगाली बोलूँगा मुझे रोक देना, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में डेटा एनालिसिस होता है, सपोज हम लोग कुछ भी पुट करते हैं उसको किसी ना किसी चार्ट में ग्राफ में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जो टेक्निकल चार्ट है ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम है, बट दिस इज एज पर स्टॉक मार्केट पैटर्न, ठीक है। इसके लिए हर एक कंपनी के पास, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है उनके, जिनका सॉफ्टवेयर कंपनी ज़्यादा अच्छा है, जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा अच्छा है, वो लोग अच्छे से इसको पैटर्न को बिल्ड कर पाते हैं, और उसके बेसिस में जो टेक्निकल ट्रेडर होता है वो उसको यूज़ करता है। समझ में आया तरुण बाबू? आमी तो दिन भाग जाऊँ वो निर्दिष्ट कंपनी टारगेट बुझी कैंडल स्टिक के बना चुके ना, आदानी उधर ही लोग जो ने गुलो बना चुके ना, ना कंपनी कंपनी कभी भी अपना कैंडल स्टिक्स वगैरह क्यों बनाएगा, ये एक्चुअली जो ब्रोकिंग कंपनीज है, ठीक है, कुछ कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, वही लोग इसके ऊपर बनाते हैं, बिकॉज ट्रेडर को चाहिए, बिकॉज ब्रोकर का फायदा किस में है, ब्रोकर का फायदा है ट्रेडिंग में, लोग जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा ब्रोकर को उतना फायदा, सिंपल बात है, तो ब्रोकर अपना बिजनेस को क्यों बंद करेगा। इवन BSE NSE के थ्रू से भी तो ब्रोकर आता है ना, तो BSE NSE भी उन पर हेल्प करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने BSE के ऊपर एक एनालिसिस दिया था ग्रुप में, BSE शेयर प्राइस के बारे में, कि BSE
बहुत मैं मोस्ट प्रोबली मेरा एनालिसिस था 1 month से थोड़ा ज्यादा होगा मोस्ट प्रोबली, ठीक है। ये जैसे ये लाइन चार्ट है, ये गूगल बनाता है, ये गूगल का अपना है, ठीक है, ये गूगल बनाता है, गूगल कैंडल नहीं देता, गूगल लाइन चार्ट देता है, लेकिन हम लोग अभी investing.com यूज कर रहे हैं, वो लोग कैंडल देता है। मैंने इसके बारे में बताया था कि तब ऐसा ही कुछ प्राइस चल रहा था, जस्ट देखिए 750 आसपास मार्केट में ना बहुत ज्यादा मूवमेंट आया। क्यों? बाइंग और सेलिंग का मूवमेंट आया, बाइंग बहुत ज्यादा हुआ, सेलिंग भी हुआ उसके साथ साथ, दोनों हुआ। तो इसलिए बीएससी को ब्रोकिंग से ही पैसा मिलता है और बीएससी का ब्रोकिंग डिपेंड करता है ब्रोकर के ब्रोकिंग पे। तो एक्चुअली क्या करते हैं ना, बीएससी वगैरह ना अपना सब्सिडियरी बना के, कंपनी बना के बोलता है बनाओ चार्ट, बनाओ कैंडल बनाओ, और अल्टीमेटली लोगों को ट्रेड करने के लिए और ज्यादा इन्फ्लुएंस करो। तो जितना मार्केट में ट्रेड, हाँ, इनकरेज करो, एग्जैक्टली। और वो जितना इनकरेज होगा उतना ज्यादा मार्केट में मूवमेंट, उतना ज्यादा मार्केट में हम लोग, जिसको देख के हम लोगों का हार्ट बीट भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो यही है जो मार्केट को मूव भी कराता है, ये भी एक बात है। मतलब इसका हमेशा बुराई नहीं करना चाहिए, मार्केट में जो हमेशा एक लोगों को इंटरेस्ट रखता है ना, ये जो डे टू डे ट्रेडर है ना, ये डे टू डे ट्रेडर ही तो है जो मार्केट को जिंदा रखता है, जो एक्चुअली मार्केट को जिंदा रखता है। तो अल्टीमेटली हम लोग हैमर का कंक्लूजन में पहुंच गए, प्रायर ट्रेंड टू बी अ डाउन ट्रेंड, शैडो टू रियल बॉडी रेशियो एक होना चाहिए ऑन द फर्स्ट हैमर, मतलब टू, मतलब ट्वाइस होना चाहिए, ट्वाइस से भी ज्यादा होना चाहिए। ऑन द फर्स्ट हैमर द रिस्क हैवर्स ट्रेडर वुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ लॉस मेकिंग ट्रेड थैंक्स टू रूल वन ऑफ कैंडलस्टिक्स, हाउएवर द सेकंड हैमर वुड हैव इंटेस्ट बोथ रिस्क हैवर्स एंड रिस्क टेकर टू एंटर अ ट्रेड, आफ्टर इनिशिएटिंग द ट्रेड द स्टॉक डिड नॉट मूव अप, इट स्टेड नियरली फ्लैट एंड क्रैक्ड डाउन इवेंचुअली। जैसे हम लोग अभी जो दो देखे ना, ये दोनों केस में बोल रहे हैं, इसमें रिस्क एवर्स बच गया और इसमें रिस्क एवर्स और रिस्क टेकर दोनों ने कमा लिया था, है ना, दोनों ने यहाँ पर प्रॉफिट किया, क्योंकि फॉर्मेशन तो इसमें हुआ है, तो जो रिस्क टेकर है वो तो पहले ही ले लिया था, तो वो दो राउंड में प्रॉफिट बुक किया, और जो रिस्क एवर्स है वो एक राउंड में प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट दोनों ने बुक किया लेकिन थोड़ा स्मॉल लेवल में, उसके बाद मार्केट क्रैक हो गया। अब इसी को बोल रहा है, अल्टीमेटली इसी में हो रहा है क्या, कि प्लीज नोट वंस यू इनिशिएट द ट्रेड यू स्टे इट। एक चीज प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडिंग इनिशिएट करते हो, कभी भी कर सकते हो ना, ट्रेडिंग इज नॉट अ बैड थिंग, बट अगर आप नॉलेज के साथ करते हो, प्लीज नोट वंस यू इनिशिएट द ट्रेड यू स्टे इट अंटिल आइदर द स्टॉप लॉस और द टारगेट इज रीच्ड। आपका कुछ टारगेट होगा, मैं टारगेट लेना अभी भी सिखाया नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, टारगेट भी होता है, ठीक है, टारगेट होता है, वो टारगेट भी मैं आपको टेक्निकल में बताऊंगा कि अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप 7950 में टारगेट मतलब स्टार्ट ले रहे हो, तो ये 960 में जाएगा या 970 तक जाएगा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं फार्दर टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है टारगेट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पहले कैंडल को समझ लेते हैं, फिर जाके टारगेट भी समझ पाएंगे कि कितना दूर तक जा सकता है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट कितना हो सकता है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट कितना हो सकता है, सभी कुछ सीखेंगे। बट पॉइंट इज दैट कि जब भी आप अपना ट्रेड पोजीशन लोगे, तब तक मतलब तब तक अपने आप को ना उसी में मतलब स्ट्रिक्टली उसी में अपने आप को बना के रखना, जब तक आपका स्टॉप लॉस टूट ना जाए या फिर आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। दोनों में कुछ तो होगा, या तो आपका टारगेट अचीव होगा या फिर आपका स्टॉप लॉस तोड़ के नीचे आ जाएगा, इन दोनों के बड़ा मतलब अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या तो होगा तो आपका टारगेट अचीव, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस टूट जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस में आके आपका शेयर सेल हो जाएगा। यू शुड नॉट ट्विक द ट्रेड अंटिल वन ऑफ दिस इवेंट्स ऑकर्स, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ करने का कोशिश करते हो ना, आपका लॉस दुगना हो सकता है, आपका गलत ट्रेड हो सकता है, ऐसा कभी ना करना। मैंने कुछ जान पहचान का कुछ है, स्टूडेंट्स ही है मेरा, इस तरह का काम किया है और फिर लॉस किया, तो इतना लॉस किया कि फिर स्टॉक मार्केट को मतलब गाली देता रहता है। अरे आप अपने पॉइंट में स्ट्रिक्ट नहीं रहते हो, आप अपने डिसीजंस में स्ट्रिक्ट नहीं रहते हो, फिर मार्केट का दोष। एक चीज याद रखिएगा, द लॉस इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड दैट इज फर्स्ट हैमर इज इनएविटेबल। जैसे ये वाला, इसमें जिसने ट्रेड लिया था, इसमें जिसने ट्रेड लिया था उसका लॉस तो इनएविटेबल है, कोई नहीं रोक सकता, है ना, बोलो ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट में जिसने ट्रेड लिया था उसका लॉस तो इनएविटेबल है, होना ही होना है। उसने देख लिया था हैमर, फिर ट्रेड ले लिया, बहुत बढ़िया किया, ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लॉस कितना तक होगा, उसका लॉस कितना तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि पूरा नेक्स्ट दिन का बियरिश होगा, आप लोग बात समझ पा रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड लिया था मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 497 पे, ठीक है,
497 में आपने ट्रेड लिया था और आपका जो लोएस्ट पॉइंट था से फॉर एग्जांपल 480, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड लेते हो, आपने सोचा था कि ये मार्केट को 510 तक लेके जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा मार्केट को नीचे लेके आया ऑलमोस्ट 484-485 के आसपास। तो आप 13 रुपीज प्रॉफिट की जगह ऑलमोस्ट 13 रुपीज का लॉस करोगे, लेकिन कितना, जो आपका लोअर शैडो का लोएस्ट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आप यहां तक लॉस हो जाएगा आपका या फिर यहां तक लॉस हो जाएगा आपका, नहीं, आपका लॉस तो इस पर्टिकुलर जो हैमर है, हैमर का जो लोएस्ट पॉइंट है वही आपका लॉस का लास्ट एरिया है, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस लगाना भी होना ना। ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस का जरूरत नहीं होता, बट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। इन्वेस्टमेंट में अप डाउन चलते रहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, 6 महीने में बहुत बार अप होगा बहुत बार डाउन होगा, क्यों फालतू में स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन जब आप ट्रेडिंग लेंगे तब तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो लॉस करेगा भी तो इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। या तो टारगेट को अचीव करो या फिर स्टॉप लॉस तक वेट करो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, बीच में मत कीजिए कुछ भी, डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनी काइंड ऑफ ट्रिक इन द मिड टाइम, कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करने जाएंगे आप फंसेंगे। तो अपने आपको फंसाना नहीं है मार्केट में, ठीक है। और एक अनदर बात, बस मैं आज का क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और एक लास्ट पॉइंट, ओहो, देखिए एक पॉइंट बार बार, बट रिमेंबर दिस इज ए कैलकुलेटेड रिस्क। आपने जो भी रिस्क लिया था वो आपका कैलकुलेटेड रिस्क था, मतलब आपने सोचा था कि आप स्टेप आउट करके मारेंगे, तो स्टेप आउट कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे ना, पहले स्टेप आउट किए फिर आप अपने आप को रोक दिए तो एलबी हो जाएंगे, एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। स्टेप आउट किए मारने के लिए तो मारिए, एक बार डिसीजन लिया तो लिया, फिर अपने आप को बार बार चेक मत कीजिए। हाँ, अगर चेक कर सकते हैं तो चेक केस कर सकते हैं, अगर आपको उतना मौका मिलता है तो, अगर मौका नहीं मिलता तो फिर अपने आप को चेक मत कीजिए, एटलीस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम सेशन, बिकॉज बहुत ही कम टाइम होता है आपके पास शॉर्ट ट्रेड में, एंड नॉट ए मेयर स्पेकुलेटिव रिस्क। ये जो भी रिस्क आपने लिया था कोई स्पेकुलेशन नहीं था, मतलब आपने आंख बंद करके छक्का नहीं लगा रहे थे, वो हम लोग उसको बोलते हैं ना अंधुड़ा, ऐसे कुछ भी मार दिया छक्का हो गया, ऐसा तो नहीं कर रहे थे ना, आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। या तो आपका टारगेट अचीव होगा या तो मार्केट के हिसाब से लॉस भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा आपको उसको मानना पड़ेगा, यू हैव टू अप्रिशिएट दिस, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब कभी आप जीतेंगे कभी मार्केट जीतेगा, अब डिपेंड करता है कि आप कितना सही होते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट में एज ए ट्रेडर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हो, दैट इज फुल्ली अप टू यू। हियर इज अनदर चार्ट वेयर परफेक्ट हैमर अपीयर्स, हाउएवर इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रायर ट्रेंड कंडीशन एंड हेंस इट इज नॉट डिफाइंड पैटर्न। लुक एट दिस, देखिए हैमर तो फॉर्म हुआ बट कोई प्रायर ट्रेंड नहीं है, हैमर फॉर्म हुआ है बट कोई प्रायर ट्रेंड नहीं है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, कहाँ चला गया? दिस वन, देखिए एक बार, हैमर, हैमर फॉर्म हुआ है बट कोई प्रायर ट्रेंड नहीं है, जो बियरिश ट्रेंड होना चाहिए ना वो नहीं हुआ यहाँ पर, तो दिस इज नॉट अ डिफाइंड पैटर्न, मतलब इसके बेसिस में आप कभी ट्रेड मत लीजिए, बिकॉज बियरिश ट्रेंड में ही हैमर आना चाहिए, जब ऐसा नहीं होगा आप ट्रेड मत लीजिए, दिस इज नॉट अ गुड साइन। हैमर फॉर्म हो सकता है, लेकिन हैमर फॉर्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप एकदम रेडी हो गए और बुलिश के लिए सोच लिए, नहीं, नॉट लाइक दैट, ओके। तो ये था हैमर के बारे में बात, नेक्स्ट क्लास में चर्चा रहेगा, पेपर आमरे लगा ही, दूसरा एक कॉन्सेप्ट दैट इज हैंगिंग मैन, उसका भी कॉन्सेप्ट है, डिस्कस करेंगे। फिलहाल घर में क्या करना है आप लोगों को, कोई भी स्टॉक को लीजिए। अच्छा, मैं ग्रुप तो बन गया, ऑनिमेश ने ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब कोई भी स्टॉक को लीजिए, उस स्टॉक के अंदर से जो भी मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला, मतलब आपको मैंने क्या क्या सिखाया, मैंने आपको मारुबुजू सिखाया, मैंने आप लोगों को स्पिनिंग टॉप सिखाया। देखिए सर, देखते देखते कितना सारा हो गया, लगता है कि कब सीखेंगे कब सीखेंगे, लेकिन कितना सारा सीख गए, मारुबुजू सीख गए, स्पिनिंग टॉप सीख गए, ठीक है, दोजी सीख गए, पेपर अम्ब्रेला सीख गए। पेपर अम्ब्रेला के अंदर आज हम लोगों ने क्या सीख गया, पेपर अम्ब्रेला का हैमर, हैमर। तो देखते देखते से चार, ऑलमोस्ट चार तरह का, मतलब 4×2 8, मतलब हर एक का बेरिश हर एक का बुलिश, ऑलमोस्ट चार तरह का मतलब पैटर्न हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए, और जो ग्रुप बना है ना
मैं उसमें सबको ऐड करता हूँ, ठीक है? आप लोग क्या कीजिए, उसमें जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसके बेसिस में आप कोई भी स्टॉक में एनालिसिस कीजिए और उस एनालिसिस को शेयर कीजिए। हेलो सुमन, बोलो कुछ बोल छो बुधाय, তোমার আওয়াজটা না খুব ইয়ে, তোমার তার ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব নয়েজ আছে, তাহলে মিউট করে দাও একটু, তাহলে মিউট করে দাও। আচ্ছা বলিয়ে অনিমেশ, অনিমেশ কা আওয়াজ বহুত দের তক মুঝে একদম নেই আ রহা হ্যায়, অনিমেশ বলো। হ্যাঁ স্যার, বুঝা গেছে, সমঝ মে আয়া? হ্যাঁ। ওকে, আব প্র্যাকটিস করেঙ্গে, গ্রুপ তো তুমনে বানা দিয়া, উসি গ্রুপ মে কাম চলেগা, ঠিক হ্যায়? ঠিক হ্যায়, ठीक है? उसी ग्रुप में जो भी सीख रहे उसी में बात होगा, एक एक करके सीखते जाएंगे फिर उसके बारे में बात करते जाएंगे, दैट इज द बेस्ट वे। जो सीखेंगे नहीं उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? जो सीख रहे हैं उसी में बात करेंगे, एक एक क्लास में एक एक करके सीखते जाएंगे, दो दो करके, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत कुछ है अभी भी। ओके रोशनी, अनिमेश, शुभ, ओके ठीक है, ज्योति बोलो, ज्योति समझ में आया? हाँ सर। अच्छा শুভ বল, ক্লিয়ার হয়েছে? টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কা যে গ্রুপ বন গিয়া না, মানে আপ সবকো অ্যাড কর দে রহা হুম, ঠিক হ্যায়? মতলব উসমে বেসিক্যালি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস প্র্যাকটিস হোগা, ঠিক হ্যায়? কর দু না সবকো অ্যাড। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, আপ লোগো কা পারমিশন মাঙ্গ রহা হুম। আচ্ছা তরুণ বাবু, করবো তো টেকনিক্যাল গ্রুপে অ্যাড? হ্যাঁ 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 করো। আচ্ছা प्रैक्टिस के लिए जो भी क्लास में चर्चा हो रहा है उसके बेसिस में टेक्निकल में चर्चा होगा, ठीक है? सेम टू सेम फंडामेंटल का भी एक बनाएंगे, ठीक है? वो भी एक बनाएंगे, वही किसी को बोला फंडामेंटल का बनाने के लिए, देखते हैं वो कब बनाता है। अच्छा ठीक है, फिर बाय, फिर आज टाटा। हाँ दादा, टाटा टाटा टाटा।